समझ गया मैं भावना। आपको भावनाएं पीछे व्यक्त करनी है जो डिस्क्रिप्टिव अलग अलग, पहला पार्ट जो फीडबैक का है दैट इज एमसीक्यू, जो उसके बाद फिर पीछे डिस्क्रिप्टिव। जहर 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 ध्यान देंगे। फोर फोर फोर्टी आराम से आप लिख करके भी बाद में सबमिट कर सकते हैं, मतलब आराम से लिखो, दैट इज रेड, उसको पढ़ा जाता है बराबर, खत्म करना इसलिए खत्म मत करो। ध्यान देंगे नाउ पेज नंबर 32, 447.01। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, टर्म्स, ठीक है, एनपीए क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स, शॉर्टकट है टी कैब्स। टी कैब्स का अकाउंट एनपीए हो गया, टी स्टैंड फॉर टर्म लोन। पूरे चैप्टर में हमको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। टर्म लोन बांटा है, ड्यू डेट पे अगर बंदा पैसा नहीं दे रहा है, इफ इट इज ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, इट विल बिकम एनपीए। लेकिन कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इट इज मोर देन लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज। अगर वो लिमिट से भी ज्यादा है, जितनी लिमिट थी उससे भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, कभी कभी बैंक वाले अलाउ कर देते और आपने लेकिन रिपे नहीं किया, ज्यादा ड्रॉइंग आपने कर दी है या फिर इंटरेस्ट की वजह से ज्यादा, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन द लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज, आउट ऑफ ऑर्डर एनपीए। लिमिट से कम है आउटस्टैंडिंग लेकिन कंटिन्यूअसली 90 डेज तक क्रेडिट ही नहीं है, कंटिन्यूअसली 90 डेज तक क्रेडिट ही नहीं है, या फिर क्रेडिट इज नॉट सफिशियंट इवन टू कवर द डेबिट ऑफ द इंटरेस्ट, डेबिट भी कवर करने के लिए सफिशियंट नहीं है, इतना कम बोले आपने पैसा जमा किया है, तो इट विल अगेन बिकम आउट ऑफ ऑर्डर एंड एनपीए। बात समझ रहे क्या सब? यस नो। टीज फॉर टर्म लोन, टर्म लोन ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज। देन सीज फॉर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में क्या फंड है आपका, आउट ऑफ ऑर्डर, लिमिट के ऊपर है, अगर लिमिट के ऊपर है आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज, या फिर कंटिन्यूअसली 90 डेज तक आपने पैसे पे नहीं किए, या फिर पैसे पे किए लेकिन इट इज नॉट सफिशियंट इवन टू कवर द डेबिट्स ऑफ द इंटरेस्ट, इट विल बिकम एनपीए। सीज फॉर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, क्रेडिट कार्ड में इफ मिनिमम अमाउंट ड्यू, इफ मिनिमम अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, विद इन 90 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट इट विल बिकम एनपीए। देन ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एडवांस, ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एडवांस, एग्रीकल्चर एडवांस की अगर हम लोग एग्रीकल्चर एडवांस की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा दो तरह के क्रॉप्स है, शॉर्ट सीजन और लॉन्ग सीजन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में आपने लोन दिया है तो ड्यू डेट के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, ड्यू डेट के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर टू सीजन्स, फॉर टू सीजन। ड्यू डेट गया, बंदे को और एक सीजन का मौका दो, नहीं दिया,
और एक सीजन का मौका दो, नहीं दिया, इट एनपीए। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में ड्यू डेट के बाद एक सीजन का आपको टाइम देना पड़ेगा। बिल परचेस्ड, ठीक है, बिल परचेस किया लेकिन ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज, इट विल बिकम एनपीए। सिक्योरिटाइजेशन, ये क्या होता है सर, सुनिए, मैंने भी आपको बताया था कि बैंक अपने ट्रांसफर करता है किसको, एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल, वो उसकी ओनरशिप लोगों को बांट देते हैं शेयर इशू कर करके, तू 10% का मालिक, तू 20, 30, 40, 50 ऐसा तू मालिक है, उसको बांट दिया। अब उनसे पैसे लिए और पैसे लेकर वापस किसके पास जाते हैं, बैंक के पास। इन दिस पॉइंट बैंक अपने लोन एनपीए के एनपीवी के थ्रू बेच देता है और उनको पैसे मिल जाते हैं। ये बात समझिएगा, यस नो, सबको समझा गया भाई। लोन बैंक से कहा गया एनपीवी, एनपीवी ने क्या इशू किए, शेयर्स, पैसे मिले, पैसे किसको दे दिए, बैंक को। एनपीवी की जिम्मेदारी है रेगुलरली जो लोन है उससे पैसे वसूल करके पे करना अपने शेयर होल्डर्स को, यस नो। स्पेशल पर्पस व्हीकल की जिम्मेदारी है रेगुलरली वसूली करके अपने शेयर होल्डर्स को पे करना, लेकिन कभी कभी पैसे कम पड़ जाते तो वो टेम्पररी लिक्विडिटी फैसिलिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, लिक्विडिटी फैसिलिटी, वो टेम्पररी नेचर की है। अगर लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग है मोर देन 90 डेज, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 90 डेज, तो इट विल अगेन बिकम एनपीए। बात समझिए सब, ओके। नाउ उसके एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस के ऊपर केस आते हैं। देखो ये शॉर्टकट दिया वहां पे, ध्यान देंगे, थोड़ा छोटा प्रिंट हुआ होगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान देंगे। एनपीए नॉर्म्स देखिए, अब उसके एक्सेप्शंस, लिसन, कहानी ध्यान में रखनी है। आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया मुकेश भाई को, मुकेश भाई, ठीक है, कितने लोन दिए मुकेश भाई को, 1000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक लोन दिए, ऐसे बहुत सारे लोन दिए मुकेश भाई। हर लोन का पेमेंट बराबर टाइम पे होता है उनके पास, 1000 करोड़ का लेकिन जो लोन था वो पे नहीं किया। तो अब सवाल उठता है, सभी लोन्स पे पेमेंट सही है, मेजॉरिटी में सही है, एक में गड़बड़ है, एनपीए सिर्फ किसका होगा, उस लोन का कि सभी लोन का, सभी लोन का, इट इज बोरोअर वाइज, एक लोन एनपीए तो सारे लोन एनपीए, एक लोन एनपीए होगा तो आपके सारे लोन एनपीए हो जाएंगे। इट इज पॉइंट क्लियर, इट इज अ बोरोअर वाइज, एक बोरोअर अगर उसका एक अकाउंट एनपीए तो सारे, इनफैक्ट एनपीआई भी हो जाता है, एक लोन एनपीए तो सारे लोन एनपीए और सारे इन्वेस्टमेंट एनपीआई। बात समझ रहे, एंड वाइस वर्सा है वो। तो पहला कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस बोला जाता है। क्विकली बैंक के पॉइंट सोचना है, कौन है हम लोग, आईसीआईसीआई बैंक, हमने क्या बांटे, मल्टीपल लोन, पहला कॉन्सेप्ट क्या बना, एक लोन एनपीए तो सारे लोन एनपीए। अब लोन बांटा है, मुकेश भाई ने एंटीला दिया है एज ए सिक्योरिटी, 1000 करोड़ का लोन है, एंटीला 10000 करोड़ का, भूल गए मुकेश भाई पैसे देना, विल इट बिकम एनपीए, 10000 करोड़ के सिक्योरिटी है, विल इट बिकम एनपीए, यस नो, यस। सिक्योरिटी आपको बचा नहीं सकता, बचपन में करते थे ना, सिक्योर्ड के लिए प्रोविजन, अनसिक्योर्ड के लिए प्रोविजन, 15, 25, 40, 100। तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी आपको बचा नहीं सकता, इट विल बिकम एनपीए। अच्छा डूबा सकता है क्या, यस yes. कैसे, सुनो, ये जनरली बच्चों को समझता नहीं है, अगर मार्केट में थ्रेट्स ऑफ रिकवरी है, मुकेश भाई का बोले डाउट हो रहा है, बोले जियो का, मार्केट में थ्रेट्स है ऑफ रिकवरी, थ्रेट्स ऑफ रिकवरी, अब मार्केट में थ्रेट्स ऑफ रिकवरी है, ये रिकवरी कैसे करना, कोई लोन को लेकर, या फिर र्यूमर्स है कि यहां पे फ्रॉड हुआ है, मार्केट में थ्रेट्स ऑफ रिकवरी है, फ्रॉड एलिगेशन है, मतलब बहुत बुरे मार्केट में माहौल चल रहा है, और इस दौरान मार्केट में खबर आती है दैट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हैज फॉलन मोर देन 50%,
सी लेवल बढ़ रहा है तो एंटीला खतरे में, 10,000 करोड़ से सीधा गिरता 4,000 करोड़ पे। इफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स मोर देन 50%, डायरेक्टली क्या बनेगा साहब? डाउटफुल एसेट। आपको पता है एनपीए में पहले कौन सा होता है? सब स्टैंडर्ड 1 साल के लिए, उसके बाद क्या होता है? डाउटफुल फॉर 1 ईयर, फिर डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर्स, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स, फिर लॉस एसेट। याद आ रहा ना भाई, बचपन की यादें। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिरती है, रीड कर रहे हो वहां पे, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिरती है मोर देन 50%, इट विल बिकम डाउटफुल। और अब हालत बहुत खराब हो गई, पानी भरने लगा एंटीला में। अब उसकी वैल्यू हो गई 700 करोड़। अगर वैल्यू इतनी कम हो गई, 700 करोड़ भी नहीं, 70 करोड़। अगर वैल्यू इतनी कम हो गई कि नॉट एबल टू रिकवर इवन द 10% ऑफ द लोन, लोन 1,000 करोड़ का था, 10% 100 करोड़, उससे भी कम वैल्यू हो गई, तो इट विल बिकम लॉस एसेट। इवन इफ रिकवरी हो रही है बराबर, पैसे मिल रहे होंगे तो भी उसको पकड़ के लॉस में डाल देंगे। समझ रहे सब? बहुत आसान है। बंदे ने मेरे को 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी दिया, 1,000 करोड़ का लोन दिया उसको, सिक्योरिटी बच, इनफैक्ट सिक्योरिटी की वैल्यू अगर गिर गई मोर देन 50%, इट विल बिकम डाउटफुल। और अगर इतनी गिर गई कि 10% ऑफ लोन भी वसूल नहीं हो रहा है, इट विल बिकम लॉस एसेट। क्या आरबीआई ने क्लैरिफाई किया? आप और हम क्या कर लेंगे? मतलब दीज आर आरबीआई क्लैरिफिकेशन। आप सिक्योरिटी को वापस और दे दो, हम निकाल देंगे इससे बाहर। सिक्योरिटी की वैल्यू गिरना बहुत बुरा माना है आरबीआई ने, और इतना ड्रास्टिक गिरना, और इसलिए फिर ये कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपकी भावनाएं सहमत हूं सर, लेकिन हमको करेक्ट, समझ रहे? अगर सिक्योरिटी दे, आप लोगों के मन में कि यार वो पैसे दे रहा तो उसको क्यों आप डाउनग्रेड कर रहे हो, तो आरबीआई का मानना है सिक्योरिटी की वैल्यू करना बहुत बड़ी बात है, अगर आपको बचना है इससे तो सिक्योरिटी और जमा कर दो, यू विल बी फाइन। फिर अब उन्होंने लोन लिया है रिलायंस रिफाइनरी के लिए, कंसोर्शियम लोन, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है? बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे नहीं मिल रहे, बाकी एसबीआई पीएनबी को मिल रहे। लीड बैंक एसबीआई वसूली कर रहा, आपस में बांट ले रहा, किसको पैसे नहीं मिल रहे? बीओबी। क्या होगा? टीटीएमएम, तेरा तू मेरा मैं, सब अपना अपना सोचेंगे, बराबर? कुछ दोस्त होते ना बिल में, मैंने तो एक इडली खाई थी, हे भगवान मैं सिर्फ मेरे एक इडली के पैसे दूंगा, तू दे ही मत तू दे ही मत, कॉम्प्लिकेट मत कर, ठीक है हिसाब को ना। कंसोर्शियम समझाना साहब, लीड बैंक को वसूली हो भी गई होंगी उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कितने पैसे मिले देखना है, खुद को कितने पैसे मिल रहे हैं, खुद को कितने पैसे मिल रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। इस पॉइंट क्लियर? ओके, ध्यान देंगे। अब लोन लिया स्टॉक के लिए, स्टॉक के बेस पे लोन होते बहुत सारे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 अगस्त को लोन दिया तो 1 अगस्त को स्टॉक स्टेटमेंट था हमारे हाथ में। अब अगस्त बीत गया, हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट देना था, लोन दिया किसके बेसिस पे? स्टॉक, हर महीने बताओ सी कितना स्टॉक है। अगस्त बीत गया, नया स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, सितंबर बीत गया नहीं आया, अक्टूबर बीत गया नहीं आया। इफ स्टॉक स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 3 मंथ्स, इफ इट इज ओल्डर देन 3 मंथ्स, अगर इफ इट इज ओल्डर देन 3 मंथ्स, इट बिकम्स इररेगुलर। अकाउंट क्या बन जाता साहब? इररेगुलर। एंड इफ इट रिमेन्स इररेगुलर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, इट विल बिकम एनपीए, इवन इफ रिकवरी हो रही है। ले वाहियात लोगों, आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं सबमिट कर रहे? तो कभी कभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने से भी एनपीए होता है, बात समझिए साहब। हाँ वो बता रहा हूं, बताइए। फिर अभी आपकी सीसी लिमिट 1 साल की होती है, सीसी लिमिट 1 साल की होती है, 1 साल बीत गया ना भाई, 1 साल बीत गया, जा बैंक के पास, 1 साल बीत गया, आजा बेटा डॉक्यूमेंट सबमिट कर, रिन्यू करवा ले। रिन्यू नहीं करवाया
180 दिन हो गए बेटा, तूने रिन्यू नहीं करवाया। ये आर नॉट रिन्यूइंग थिंग्स। अगर तुम एक रिन्यू नहीं कराओगे, 180 दिन हो गए मतलब वापस 6 महीने, इट विल बिकम एनपीए, एनपीए बन जाएगा सब, करेक्ट। फिर और उसी में एक तो एडहॉक लिमिट, एडहॉक मतलब इमरजेंसी में लिमिट जो दी जाती है, मैनेजर के हाथ में होता है, बोले मेरा आपको तो पता है मेरा लोन सैंक्शन हो गया लेकिन पैसे इमीडिएटली चाहिए थे थोड़े। अच्छा इमीडिएटली चाहिए थे क्या, चल ले एडहॉक लिमिट। सामने वाले को हमने क्या दिया, एडहॉक लिमिट, एडहॉक लिमिट दे दी उसकी। अब बेटा इसको रीपे तो कर, टेम्पररी लोन था ये। अच्छा चल एक काम कर, डॉक्यूमेंट सबमिट करके इसको रेगुलराइज कर ले। रेगुलराइज कर लेना मतलब ठीक कर देना चीजों को, वो भी नहीं किया। 180 दिन हो गए ना, रीपे कर रहा है बेटा ना तो रेगुलराइज कर रहा है, इट विल बिकम एनपीए। इससे क्या सीखा हमने, इससे ये सीखा हमने कि कभी कभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने से और प्रोसीजर फॉलो नहीं करने से भी एनपीए हो जाते हैं। बात समझिए सर, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मिलना, ध्यान देंगे। क्विकली कहानी पे आई है, किसने लोन दिया, आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा पहला लर्निंग क्या था, वन लोन एनपीए, सारे लोन एनपीए। किसके बेस पे दिया, सिक्योरिटी, वो बचा नहीं सकती लेकिन डुबा सकती है, कभी डाउटफुल एसेट और कभी लॉस एसेट। फिर किसके लिए दिया, कंसोर्शियम, किसके दिया साहब, कंसोर्शियम। कंसोर्शियम में तेरा तू मेरा मैं, सारे बैंक अपने अपना सोचेंगे कि मेरी रिकवरी क्या उसके हिसाब से देखेंगे। फिर उसके बाद में ठीक है, स्टॉक 3 महीने तक स्टेटमेंट नहीं आया तो इरेगुलर, और 3 महीने तो नहीं आया तो एनपीए। एडॉक लिमिट, एडॉक लिमिट अगर फुलफिल नहीं हुई, एडॉक लिमिट अगर भाई तूने रेगुलराइज नहीं किया 180 दिन तक, इट विल बिकम एनपीए। फिर एग्रीकल्चर लोन लिया, कौन सा लोन, एग्रीकल्चर लोन। अगर हमने किसी को एग्रीकल्चर लोन दिया है और नेचुरल कैलामिटी आती है, क्या आती है, नेचुरल कैलामिटी, और वो लोन रीशेड्यूल हो जाता है, मतलब इट इज बैडली अफेक्टेड, आरबीआई ने वो लोन क्या करवा दिए, रीशेड्यूल करवा दिए, बहुत तकलीफ में, फिर से काउंटिंग शुरू होगी, न्यू डेट्स आएगी, उसको फ्रेश लोन ट्रीट करेंगे, उसको क्या ट्रीट करेंगे, फ्रेश लोन, उसको फ्रेश लोन ट्रीट करेंगे और फिर से काउंटिंग शुरू होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर। अब रेगुलराइजेशन होता है, रेगुलराइजेशन मतलब एंड में अगर पैसे मिल जाते 31 मार्च के पहले, पैसे मिल गए तो डिफॉल्ट खत्म, डिफॉल्ट खत्म तो इट इज नॉट एनपीए। यस नो, सही बात है। अगर आपको 31 मार्च के पहले, क्लोजिंग के पहले पैसे मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इट विल नॉट बी ए एनपीए। लेकिन फिर हमने देखा कि पैसे आए कहां से, बैंक ने एक नया लोन दिया वहीं से पैसे आ गए, ले क्या टाइम पास है, तुम्हारे पैसे तुम वहीं पे रोटेट कर रहे इधर से उधर, और एनपीए से बच रहे, और नया लोन तो अभी फ्रेश है, वो एनपीए होने वाला नहीं है। अगर ऐसा दिखा कि जेन्युइन सोर्स ऑफ मनी नहीं है, बैंक का ही पैसा इधर से उधर रोटेट हो रहा है, अगर ऐसा दिखा, ठीक है, अगर ऐसा दिखा दैट इट इज नॉट अ जेन्युइन सोर्स, तो वापस इट विल बिकम एनपीए इवन आफ्टर रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन देखना, ध्यान से देखना, अगर उसमें इनरेंट वीकनेस है मतलब डिफॉल्ट है, गड़बड़ है, तो इट विल बी एनपीए। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, नॉट एनपीए, कभी एनपीए नहीं होगा, इट विल नॉट बिकम एनपीए। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, कोई गिनते विनते नहीं भाई, तुमको कोई नहीं गिनता, इट विल बिकम एनपीए। फिर ये सुपर फाइव है, सुपर फाइव, हमने लोन दिया किसके बेसिस पे, खुद की एफडी, क्या बात है, खुद की एफडी, कभी भी सेट ऑफ मार लेंगे। अच्छा लोन सिर्फ खुद की एफडी पे दे सकते हैं, किसी और की एफडी पे नहीं, पहले अलाउड था, लोगों ने क्या किया, नकली एफडी सर्टिफिकेट छाप छाप के लोन लेने लगे,
तो बंद कर दिया आरबीआई, नहीं 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 खुद के एफडी के बेस पे देना, खुद के एफडी के बेस पे लोन दिया है सुपर फाइव, कभी एनपीए नहीं होगा, सबसे सेफ खुद की एफडी, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र, आईवीपी इंदिरा विकास पत्र, और आखिरी में एलआईपी, इसके बेस पे लोन दो, कभी एनपीए नहीं होगा, सुपर फाइव है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एम्प्लॉयज साहब, बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को लोन बांटता है, क्या बांटता है, क्या टर्म्स होते हैं, बहुत ही तूफान, बहुत ही कम। सो माय फ्रेंड ही बॉट अ कार फॉर सम, नहीं 14-15 लाख की गाड़ी ली उसने, उनकी जो वाइफ है वो बैंक में काम करती है, तो उसका ईएमआई 4,000 रुपए, मतलब ये क्या टाइम पास है ये क्या टाइम पास है, बोले 16 साल के लिए लोन मिला है, क्या गाड़ी चलती नहीं 16 साल, लोन 16, और गाड़ी लिया तो हर महीने 50 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा, बोले तो फ्री हो गया यार गाड़ी पे, कौन सी गाड़ी है भाई अच्छा 20 साल का लेके रखा है, 6 इंटर सिंपल इंटर 70 लीटर पेट्रोल, 20 साल का लोन, देखो मैं 16 साल की बात कर रहा, साल बोले हमने तो 20 साल का लिया, ध्यान नहीं। देखो बैंक का स्टाफ बोलता है ऐसे तो बहुत लोगों को बांटते हो, हमारे लिए तो कुछ कर लो, सुनो। और जैसे वहां पे ऐसा भी है, अब वहां पे ऐसा है कि पहले जो तुम पे करोगे उसको प्रिंसिपल मानेंगे पूरा, क्या मानेंगे प्रिंसिपल, नॉर्मल इसमें पहले क्या होता डिडक्ट इंटरेस्ट बैलेंस प्रिंसिपल, नहीं नहीं पूरा जो पे करेंगे उसको प्रिंसिपल मानेंगे ताकि ओवरऑल इंटरेस्ट कम लगे। तो आरबीआई को पूछा लोगों ने, यार ये तो इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रहे 5-5 साल, क्या एनपीए होगा, नहीं बोले नॉट एनपीए, जब तक अग्रीमेंट के हिसाब से चल रहे ड्यू डेट पे पैसे दे रहे तब तक ऑल फाइन है, ड्यू डेट पे डिफॉल्ट करेंगे 90 दिन से ज्यादा तो एनपीए होगा। तो स्टाफ लोन में टर्म्स एकदम अलग होते हैं, लंबे समय तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विकली बैंक ऑडिट में पहले हमने कहा टी कैप्स, और फिर अभी क्या पढ़े एक्सेप्शंस, कहानी याद होनी चाहिए सब, ये आइए नेक्स्ट 414.01 उसके नीचे ही, फटाफट देखिए। MSME unit is a company that does multiple banking. The company is availing cash credit limit from U Bank of Patna. अच्छा समझ क्या गया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बैंक से, एक बैंक ने कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी है, क्या दिए साहब कैश क्रेडिट फैसिलिटी, लेकिन अब आजकल वो बंदे ने दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन कर दिया, दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन कर दिया, और वहां से काम का जैसे करंट अकाउंट शिफ्ट करते ना, वैसे शिफ्ट कर दिया, वाह बेटा यहां पे तूने, यहां पे तूने पहले लिसन, एक बैंक से उसने सीसी लिमिट ली, क्या ली सीसी लिमिट, फिर दूसरे बैंक से सीसी लिमिट ली, अब पूरा काम कौन से बैंक में कर रहा है, दूसरे बैंक, बात समझ रहे के साहब, बैंक वन से सीसी लिमिट ली और वहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, कोई क्रेडिट्स नहीं है, कोई डेट्स नहीं है, अगर कोई क्रेडिट नहीं है 90 दिन तक या बहुत कम क्रेडिट है तो क्या होता है साहब आउट ऑफ ऑर्डर एंड इट विल बिकम एनपीए, समझ रहे के साहब, बैंक वन से जो उसने सीसी लिया उसमें कोई पैसे जमा नहीं किए फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज या कम पैसे जमा किए इट विल बिकम एनपीए, दूसरा बैंक भी एनपीए करेगा क्या, दूसरा बैंक भी एनपीए करेगा, नो सब लोग अपना अपना सोचेंगे, एनपीए को हर बैंक को अपना इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ता है एनपीए करना कि नहीं करना, टीटीएमए में बॉस समझा क्या, यस नो, दो बैंक इन्वॉल्व है, एक में पैसे जमा हो रहे एक में नहीं हो रहे, जहां पे जमा नहीं हो रहे वो उसको एनपीए ट्रीट करेगा, जहां पे हो रहे उसके लिए वो परफॉर्मिंग ट्रीट करेगा, बैंक वाइज एनपीए सबको अपना अपना सोचना है, बाजू के बैंक में एनपीए हुआ तो मैं उसको खुद मैं भी एनपीए कर दूं, ऐसा नहीं होगा। इट इज बैंक वाइज एंड देन बोरोवर वाइज, हर बैंक को
अपने बोरोअर के बारे में सोचना है, पर्टिकुलर बैंक में बोरोअर वाइज होगा। एक बैंक से अगर मल्टीपल लोन लिए हैं एक ही बैंक से, तो फिर बोरोअर वाइज सोचना है। समझ रहे हैं आप? फोर फिफ्टी फाइव पे आइए, लिखिए रेफर नोट। अरे यहां पे था। अच्छा ध्यान नहीं। अगर एनपीए से बचना है तो एक सॉल्यूशन हमारे पास, सेल ऑफ एनपीए, पेज नंबर 4.6 पे। सेल ऑफ एनपीए ध्यान देंगे, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान है। तो आरबीआई ने बोला है आप एनपीए से छुटकारा पा सकते हो, बेच के बेच डालो, छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शर्तें हैं। नंबर वन, कोई भी बैंक अपना एनपीए बेच सकता है दूसरे को। शर्त है उसके बुक्स में वो 2 साल तक एनपीए होना चाहिए। पहले उसको जी लो, झेल लो, नहीं जम रहा फिर ही बेचो, 2 साल बाद ही बेच सकते हैं। बेचेंगे तो ओनली कैश बेसिस, उसको भी अब क्रेडिट पे बेच के फंस मत जाना। एनपीए बेचा क्रेडिट पे, उसके पैसे नहीं मिल रहे, तो एनपीए को बेच सकते 2 साल बाद। 2 साल बाद आप बेच सकते, कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे आप बेचोगे, वो भी विदाउट रिकोर्स। पैसे नहीं मिले तो पलट के मत आना वापस, और आप किसी भी तरह की रिस्क अज्यूम नहीं करोगे। नो लीगल रिस्क, नो एनी टाइप ऑफ रिस्क। जैसे ही बेचोगे बुक से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर पैसे कम मिले, बुक वैल्यू से भी कम मिले, तो क्या बुक करेंगे? लॉस। अगर बुक वैल्यू से भी कम मिले तो लॉस, कभी ज्यादा भी मिल सकते हैं बुक वैल्यू से। यस नो, हो सकता है। मैं तो मेरे बुक्स में 100% प्रोविजन बना के बैठा था, थोड़े ज्यादा मिल गए तो बोले जो प्रॉफिट आएगा ना उसको ट्रांसफर कर दो प्रोविजन फॉर एनपीए। प्रॉफिट को पीएनएल में मत लेके जाओ, बहुत ही हो गया। एक तो एनपीए से बाहर आ रहे तो प्रॉफिट बता रहे, समझ रहे क्या सब? क्विकली एग्जाम्पल लेके बताओ क्या? सर अभी भी डर लगता है, बोले ठीक है। बुक वैल्यू 100 है, लोन था से 150 का, प्रोविजन था 50 का, बुक वैल्यू कितनी होगी? 100। अब सेल प्राइस सपोज 100 का बुक वैल्यू है, हमको मिला 70 रुपये। क्या एंट्री पास होगी? कैश बैंक डेबिट 70। यस नो? लोन खत्म होगा, टू लोन 150, प्रोविजन भी खत्म होगा ना उसके ऊपर का, और बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगा, पीएनएल में जाएगा कितना? 30 रुपये। समझा के? पैसे मिल गए, लोन खत्म करो, उसका प्रोविजन खत्म करो, बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालो? पीएनएल। सपोज अगर ये बिका, अगर ये बिका 120 रुपये में, कैश बैंक डेबिट 120, प्रोविजन खत्म करो 50, टू लोन 100, कितने का प्रॉफिट हो रहा है साहब? 120 में 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो प्रॉफिट है ये 20 का अलग से अकाउंट में, कितने का प्रॉफिट है? 20। पहले ये एंट्री पास की, फिर ये प्रॉफिट से, प्रॉफिट डेबिट 20, इसको वापस पलट के कहाँ ट्रांसफर कर दो? प्रोविजन फॉर एनपीए। कंबाइन एंट्री भी पास करते, लेकिन वो समझाना पड़ता, फिर समझता नहीं है।
समझा क्या आपको? भावुक हो गए? तो बेचोगे, लॉस हुआ तो लॉस बुक कर लो, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दो? प्रोविजन फॉर एनपीए। समझाए सभी? लिखना ही नाम लिखने की जरूरत नहीं भाई, मतलब अनोनिमस भी चलते। और मेरा क्या बोलते है? लॉस ऑफ न्यूरॉन्स हो रहा है अभी मेरे को जहर की जरूरत है अभी चलो लिख लिया है। confessout.com करके आपने सुना होगा, confessout.com/रवि टावरी लिखा हुआ है। अनोनिमस फीडबैक कुछ बात पे भी आप सपोर्ट को एकदम ही बोले बहुत ही तूने क्या बच्चे ऐसे ध्यान देंगे। परचेस के लिए भी कंडीशन है, फिर परचेस के लिए कंडीशन है जो बैंक एनपीए खरीद रही, खुद का एनपीए नहीं होना चाहिए। बोले बहुत ही टाइम पास हो गया, गोल गोल घुमा के खुद ही डाल रहे, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का एनपीए खुद आप खरीद नहीं सकते, खरीदने के बाद वापस शुरुआत से पहले ड्यू डेट से फिर से एनपीए का काउंटिंग शुरू होगा, उसके हिसाब से प्रोविजन बनेगा। पैसे मिलेंगे तो पहले लोन रिकवरी कॉस्ट रिकवरी होगा, जब पूरा लोन रिकवर हो जाएगा उससे ज्यादा और पैसे मिले तो उसको इनकम ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। बात समझ रहे साहब? खुद का एनपीए खुद नहीं खरीद सकते, खरीदने के बाद वापस प्रोविजन रिक्वायरमेंट वापस स्टार्ट होगा, पहले रिकवरी फिर प्रॉफिट। और आपको पता है एसेट्स को रिस्क वेटेज देते, क्या देते? रिस्क वेटेज। अरे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाला है बचपन में, यस नो? तो उसमें इस एसेट को रिस्क वेटेज कितना देंगे? 100%। फोर फिफ्टी एट पॉइंट जीरो वन पे आओ। May 13 एग्जाम के बाद नहीं आया है, और वो 17S और P लिखा है, SM एंड प्रैक्टिस मैनुअल MM निकाल दिया जनता ने। मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है क्लास में, ठीक है? देन क्या? वेरी गुड। मतलब जहर सुनने के बाद लोग नॉर्मल चीज को भी जहर समझ ले रहे ना लिसन। तो इस केस में ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। किसी गारंटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की भी होंगी और सीजी सबकी होंगी, देख लेते ना यार, किसी की भी होंगी, क्या फर्क पड़े? इन ए पर्टिकुलर अमाउंट देर इज नो रिकवरी फॉर पास्ट 18 मंथ्स, द बैंक हैज नॉट अप्लाइड अवर एनपीए नॉर्म्स। When queried, the bank management replied that this account was guaranteed by central government. Hence, these norms were not applicable. The bank has not invoked the guarantee. Invoke मतलब cancel नहीं किया। Please respond. Would your answer be different if the advance is guaranteed by state government? सुनो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कहानी में twist कहाँ पे? Central government की guarantee है तो उसको NPA treat नहीं करते। इतने लोगों ने जवाब फिर उसका प्रोविजन भी नहीं बनाएंगे, विल नॉट मेक द प्रोविजन ऑल्सो।
स्टेट गवर्नमेंट है तो एनपीए ट्रीट करना है, उसका प्रोविजन भी बनाना है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है. व्हाट अबाउट इनकम रिकॉग्निशन? इनकम रिकॉग्निशन विल डिपेंड ऑन रेगुलरिटी, कैश रिकवरी पे डिपेंड करता है. इवन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी है, इवन इफ देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, माना उसका प्रोविजन नहीं बना, सिर्फ प्रोविजन बनने से बचे हो आप. कमाई में तो अभी भी रिसीट बेसिस पे चलना है, रेगुलरली अगर नहीं मिल रहे पैसे तो रिसीट बेसिस पे चलना पड़ेगा, इवन इफ देयर इज अ गारंटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. बात समझ रहे ना साहब? जैसे हमने 100 करोड़ का लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, 100 करोड़ को हम लोग एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे, उसका प्रोविजन भी नहीं बनाएंगे, लेकिन इसकी जो इनकम है, जैसे हम जैसी एनपीए होता है तो इनकम को हम शिफ्ट कर देते, किस पे? कैश बेसिस पे. उसकी इनकम को हम कैश बेसिस पे शिफ्ट कर देंगे, अक्रूअल पे नहीं चलाएंगे. इवन इफ देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, इनकम तो भाई साहब कैश बेसिस पे बुक होगी. उसको ऐसा बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी में सी रेगुलरिटी, रेगुलरली पैसे मिल रहे तो अक्रूअल बेसिस, नहीं मिल रहे तो कैश बेसिस. मतलब वही बोल रहे हो कि आप रेगुलरिटी देखो, कैश बेसिस है क्या, उस पर चलो. मई 19 मॉक टेस्ट, नवंबर 19 आरटीपी. म्यूचुअल फंड की इनकम कैसे ट्रीट होगी साहब? कैश बेसिस, रिसीट बेसिस. क्यों होता है सर? बताया नहीं मैंने, सिर्फ बताने को कि टाइम लगता तो मैं उससे भाग रहा था, नहीं बताता, खुद ही बोल दिया. लेकिन सुनो, ध्यान देंगे. सुनो, म्यूचुअल फंड का डेली एनएवी निकलता है. म्यूचुअल फंड डेली बेसिस पे एनएवी निकालते हैं, डेली बेसिस पे उनका मार्केट फ्लक्चुएशन. सपोज उन्होंने पैसा कमाया, म्यूचुअल फंड ने पैसा कमाया, पहले एनएवी 45 रुपए का था, 50 हो गया, कितना पैसा कमाया? 5 रुपए. हमारे बुक्स में भी कितना आ गया? 5. इनकम का इफेक्ट तो मेरे बुक्स में आ चुका है. अगर मैं मेरे और उस पर चलाना पड़ता है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में एनएवी पे एडजस्ट करता रहता हूं, तो म्यूचुअल फंड की जो कमाई होती है उसका इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है. समझ रहे हो साहब? अरे यस नो. म्यूचुअल फंड डेली बेस पे क्या निकालता है? एनएवी. हम उसको क्या करते हैं? वैल्यू. जो कमाई है उसका इफेक्ट तो आ ही गया. अब मैं डिविडेंड बुक करूंगा, डबल बुकिंग हो जाएगी. अब मैं डिविडेंड बुक करूंगा तो डबल बुकिंग हो जाएगी. इसलिए बोले कुछ अक्रू कुछ मत कर. जिस दिन वो पैसे देगा ना, सिर्फ उसकी रिसीट बुक कर लेना. रिसीट तो बुक करना पड़ेगा ना. समझा क्या मैंने क्या बोला? यस नो. म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड मिल रहा है उसको अलग से अक्रू करने की जरूरत नहीं है. उसको आप किस पे बुक करोगे? रिसीट बेसिस पे बुक करेंगे. अब ध्यान दो, ऑडिट ऑफ एडवांसेस 462. फिर 464, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एडवांसेस. फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एडवांसेस. तीनों का एक ही आंसर है. कहां है? गायब हो गया. नहीं, ये 466 भी देखो, ये कंबाइंड आंसर है. यहां पे 462, 464, 465, 466, चारों क्वेश्चन का कंबाइंड आंसर है. और ये हम फ्लो डिस्कस करके आए कहां पे? एनबीएफसी में. देख लो, पहले देखना है कि लोन देने का प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए. होम लोन का एग्जाम्पल दिया है, ज्यादा एग्जाम्पल मत जाओ. फिर वेल डिजाइंड
फॉर्म्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वेल डिजाइन फॉर्म्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, वेल डिजाइन फॉर्म्स है, बंदा एप्लीकेशन देगा, क्या देगा, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को, जो भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन उसका होना चाहिए। फिर क्या चेक करेंगे उसका, क्रेडिट वर्दीनेस, फिर उससे क्या मिलेगी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी शुड एग्जिस्ट, इट शुड बी एनफोर्सिएबल, इट देयर शुड बी अ वैल्यूएशन, समझ रहे क्या सब, अरे फ्लो है। अगर लोन चेक करना है तो पहले लोन का क्या होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको सब, उसके वेल डिजाइन क्या होने चाहिए, फॉर्म्स, फिर क्या आना चाहिए, एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, यस नो क्विकली, पहले क्या होना चाहिए साहब, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके लिए वेल डिजाइन फॉर्म्स, फिर वहां से एप्लीकेशन और क्या आएंगे साहब, डॉक्यूमेंट, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, फिर क्या चेक करना चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस, फिर क्या मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी, क्या मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी शुड एग्जिस्ट एनफोर्सेबल वैल्यूएशन। अब सिक्योरिटी में और चीजें, स्टॉक मिलता है, ठीक है, एनफोर्स, अच्छा सिक्योरिटी की ओनरशिप या तो बैंक को ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट बैंक को मिलने चाहिए, अगर इमूवेबल है तो, अगर क्या है साहब, इमूवेबल, इमूवेबल है, या तो ये ओनरशिप मेरे नाम पे बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दो, टाइटल डीड्स दे दो। अगर स्टॉक है, अगर क्या है साहब, स्टॉक, तो चेक करना चाहिए कि स्टॉक, टेस्ट काउंट करना चाहिए कि स्टॉक अप्रोप्रिएट है ना, क्वांटिटी क्वालिटी वैल्यू बराबर है ना, स्टॉक अगर आपको मिला है, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन करना चाहिए कि स्टॉक सही में है ना, सरप्राइज चेक भी कर सकते हैं आप, जब भी इंक्रीज डिक्रीज होगा रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली अगर स्टॉक है, अगर क्या है, स्टॉक, तो उसके बारे में और बोल रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ओनरशिप आपके नाम पे आ जाना चाहिए, स्टॉक अगर है तो लेते वक्त उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है, फिर रेगुलरली जाके चेक करना चाहिए कितना स्टॉक है, सरप्राइज चेक करना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट लेना चाहिए, मार्जिन डिडक्ट करना चाहिए, क्या डिडक्ट करना चाहिए, मार्जिन, मार्जिन डिडक्ट करना चाहिए, फिर फाइनली लोन क्या होना चाहिए, ऑथराइज, लोन क्या होना चाहिए, ऑथराइज, जो लिमिट है उसमें लोन चलना चाहिए, टर्म्स ऑफ सैंक्शन जिस पर्पज के लिए देता उसके लिए यूज करो, आखिरी में यहां से शुरू होता है, नो एडवांस शुड बी ओमिटेड, कोई एडवांस छूटना नहीं चाहिए सर, मतलब जैसे फाइनेंस लीज भी एक लोन है, अरे डू यू अग्री विथ मी, फाइनेंस लीज भी क्या है, एक लोन है आपका, फाइनेंस लीज भी एक लोन है, कोई भी लोन छूटना नहीं चाहिए, जो लोन का अमाउंट है वो सही होना चाहिए, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग में अमाउंट चेंज होता, रिस्ट्रक्चरिंग में अमाउंट चेंज होता, वो देखना चाहिए कुछ चेंज तो नहीं हुआ, जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में एंटर हुआ है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए, और आखिरी में रिव्यू करते रहो अकाउंट्स, इसमें कुछ अनयूजुअल तो नहीं है, बहुत विड्रॉवल, पैसा नहीं आना, एनपीए क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसका प्रोविजन बनना चाहिए, और प्रेजेंटेशन सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड सही होना चाहिए, आखिरी में एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत सारे पॉइंट्स है, पहले क्या होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको सपोर्ट करने के लिए वेल डिजाइन फॉर्म्स, फिर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट, फिर क्या चेक करें, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस, फिर क्या लेंगे उससे, सिक्योरिटी, इट शुड एग्जिस्ट, इट शुड बी एनफोर्सेबल, इट शुड हैव वैल्यू, इमूवेबल है तो ओनरशिप हमारे नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए, स्टॉक है तो उसको चेक करना चाहिए कितना स्टॉक है, रेगुलरली चेक करना चाहिए, सरप्राइज चेक करना चाहिए, फिर क्या डिडक्ट होना चाहिए, मार्जिन, फिर किसने, सीनियर ने ऑथराइज करना चाहिए, फिर क्या बनना चाहिए, अग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ सैंक्शन को फॉलो करना चाहिए, समझ रहे क्या साहब, टर्म्स ऑफ सैंक्शन फॉलो होने चाहिए, रेगुलरली कमाई होनी चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं, बहुत ठीक है भाई, रेगुलर पैसा मिल रहा है, आखिरी में कोई भी लोन छूटना नहीं चाहिए, अमाउंट देखना चाहिए आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग, सही अमाउंट है ना, कोई भी लोन छूटना नहीं चाहिए, जितने लोन लिख रहे हैं उसका अमाउंट सही होना चाहिए, बैलेंस शीट का अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे डिफॉल्ट होगा तो क्या करो, प्रोविजन बनाओ, आखिरी में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही होना चाहिए, चार क्वेश्चन का एक ही आंसर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं, सुखी जीवन है, नहीं तो वो याद ही नहीं कर पाओगे, ऑडिट ऑफ एडवांसेस सेम आंसर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में एडवांसेस चेक करना है सेम आंसर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एडवांसेस चेक करना है सेम आंसर, समझ रहे क्या सब, ध्यान देंगे 469,
लिसन, बहुत ही टाइम पास है, फटाफट। स्टॉक अगर हमारे पास रखा है, स्टॉक अगर सामने वाले के पास ही रखा है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। बोरोअर के पास रखा है तो क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। हमारे पास रखा है तो क्या बोलते हैं? प्लेज। या फिर और एक था, किसके पास? थर्ड पार्टी। मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ ये, पीएम पीएम में भी है। हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? हेडिंग्स बराबर थे कि आसानी हो। अगर हाइपोथिकेशन है, सुनो, बंदे ने हमसे लोन लिया स्टॉक के अगेंस्ट और वो स्टॉक उसी के पास रखा है। देखो थोड़ा सा सोचो, बंदा आएगा स्टॉक स्टेटमेंट लेके, बंदा स्टॉक स्टेटमेंट लेके आएगा, स्टेटमेंट फ्रॉम बोरोअर। देखो बहुत आसान है, बंदा स्टॉक स्टेटमेंट लेकर आएगा कि मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी, ठीक है, ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। स्टॉक स्टेटमेंट चेक करो, नाम बराबर लिखा है, क्वांटिटी बराबर लिखी है, रेट बराबर, वैल्यूएशन बराबर है, पहले स्टेटमेंट बराबर है ना वो चेक करो। हाँ, स्टेटमेंट एकदम सच्चा है, डन। फिर बंदा लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन देगा कि मैं मेरे स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट, मैं ये जो स्टॉक है आपके फेवर में करता हूं। ध्यान रखना, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन में जितने यूनिट्स है उसी को सिक्योरिटी मानते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट 1000 का है, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन में सिर्फ 600 बोला है, तो कितनी मानेंगे सिक्योरिटी? 600। अगर कंपनी है तो आपके फेवर में चार्ज रजिस्टर करके दे देंगे, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रेगुलरली एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि स्टॉक का लेवल हर महीने कितना कम ज्यादा हो रहा है, समझ रहे साहब? बंदा क्या लेके आएगा? स्टेटमेंट चेक कर लो, फिर क्या देगा आपको? वो लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। अगर कंपनी तो क्या देगा? रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। और आखिरी में आपको क्या मेंटेन करना है? रजिस्टर। अगर गुड्स प्लेज्ड है तो बंदा फिर स्टेटमेंट लेके आएगा गुड्स के साथ, चेक कर लो स्टेटमेंट और गुड्स मैच हो रहे ना। गुड्स का हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा, कितने गुड्स जा रहे, कितने गुड्स जा रहे, क्योंकि कस्टडी किसके पास है? आपके पास है। और उसमें खास बात, अगर आपके पास में 1000 यूनिट है और उसने ऑलरेडी कमिट कर दिया डिलीवरी ऑफ 200 यूनिट्स, फिजिकल 1000 है लेकिन कमिट कितना कर दिया? 200। सिक्योरिटी में कितना काउंट करेंगे? सिर्फ 800। समझ रहे क्या? क्या थर्ड पार्टी के पास हो सकता है कि स्टॉक? सीएनएफ एजेंट के पास होता है, ब्रोकर के पास होता है, आपके पब्लिक वेयर हाउस वाले के पास होता है। लेटर चाहिए उनसे, लिख कर दो कि ये जो स्टॉक है ये हम बैंक के फेवर में राइट क्रिएट कर रहे हैं, बैंक के फेवर में इसको यूज किया जाएगा, बैंक इसको कभी बेच के पैसे वसूल कर सकता है, इससे जो पैसे मिलेंगे वो भी बैंक के लिए रहेंगे, उनसे अंडरटेकिंग चाहिए। और आखिरी में ईयर एंड में कंफर्मेशन चाहिए, सही में आपके पास है ना। अब आइए एसएलआर। नोट दोनों में सेम ही है, जबरदस्ती प्रिंट हो गए, कोई बात नहीं, ये नोट्स में आ जाइए। मंथली वो जानबूझ के नहीं करा क्योंकि अभी रिसेंटली पूछा है। ध्यान देंगे, एसएलआर ध्यान देंगे, बैंक को जितना भी डिपॉजिट मिलता है, उसका 25%, लगभग 25% खुद के पास रखना पड़ता है। देखो अब धीरे धीरे गला, ध्यान नहीं, बैंक को जितना भी डिपॉजिट मिलता है उसका 25% खुद के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, दैट इज
SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ऑडिटर इसको कैसे चेक करता है वो बता रहा हूं। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो कैसे चेक करता है सुनो, ही हैज टू सिलेक्ट 12 ऑड डेट्स इन डिफरेंट मंथ्स, मतलब हर महीने में एक एक डेट सिलेक्ट करना। इट शुड बी ऑड, इट शुड बी ऑड, ऑड मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी सेम, सेम डेट नहीं होनी चाहिए। एक जगह 4 तारीख, अगले जगह 6, फिर 8, 10, 12, ऐसा। समझ रहे सब? यस नो? तो आप 12 ऑड डेट, नॉट बीइंग फ्राइडे, नॉट बीइंग फ्राइडे, क्योंकि बैंक में पूरी जो रिपोर्टिंग होती है वो फोर्टनाइटली बेसिस पे होती है। किस पे होती है? फोर्टनाइटली। सर मतलब क्या? 14 डेज कैसे होते हैं आपको? प्री डिफाइंड होता है। फोर्टनाइट शुरू होती है सैटरडे को, एक फ्राइडे, फिर अगला फ्राइडे, फ्राइडे को खत्म होती है। समझ रहे क्या? इट स्टार्ट्स ऑन सैटरडे, देन एंड्स ऑन सेकेंड फ्राइडे, दो फ्राइडे आते हैं। समझ रहे क्या भाई? फोर्टनाइट जब खत्म होती है तो आरबीआई को रिपोर्टिंग होती है कि हम लोग एसएलआर मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे। तो बोले फ्राइडे सिलेक्ट मत करो, फ्राइडे सिलेक्ट मत करो, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग किसको हो रही है? आरबीआई। ऑडिटर को जाकर, ऑडिटर को जाकर 12 ऑड डेट सिलेक्ट करने, डिफरेंट मंथ्स। अब इस दिन नॉट बीइंग फ्राइडेज, इस दिन एसएलआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं वो चेक करना है। इस दिन एसएलआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं हुई वो चेक करना है। समझ रहे सब? यस नो? कैसे चेक करेंगे? बोले आसान है। सुनो क्या होगा, हम बैंक को ये 12 ऑड डेट बताएंगे, बैंक अपने सभी एचओ और सभी ब्रांचेस को बताएगा ये डेट, ये जो पर्टिकुलर डेट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर डेट्स पे, ये पर्टिकुलर डेट पे, अभी इसमें और एक कहानी चलो बता देता हूं। सबको फोर्टनाइट समझा क्या? फ्राइडे फ्राइडे, बहुत बढ़िया। सपोज दिस इज करंट फोर्टनाइट, करंट फोर्टनाइट मतलब जो चल रहा है अभी जो समय, यस नो? उसका जो उसके पहले का होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिसीडिंग। क्या बोलते सब उसको? फर्स्ट प्रिसीडिंग फोर्टनाइट। और उसके पहले का होगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट। ध्यान देंगे, सुनो क्या बता रहा हूं मैं। अभी जो फोर्टनाइट चल रही है उसको बोलेंगे करंट फोर्टनाइट, उसकी पहले की फर्स्ट प्रिसीडिंग फोर्टनाइट, उसके पहले का सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट। अब सुनो, इस फोर्टनाइट में जो मेरे को एसएलआर मेंटेन करना है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट लेवल्स। सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट का जो लास्ट फ्राइडे है, उसका जो लास्ट फ्राइडे मतलब लास्ट डे होता है वो फोर्टनाइट का, उसके बेसिस पे एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। बाप रे, ऐसा क्यों? ताकि बैंक को मौका मिले एडजस्ट करने में। टाइम गैप है, टाइम लैग बोलते इसको। वापस सुनो, करंट फोर्टनाइट के जो 14 दिन है वहां पे जो एसएलआर मेंटेन करना है दैट विल बी ऑन द बेसिस। इस फोर्टनाइट का डिपॉजिट लेवल नहीं देखते, सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट के लास्ट फ्राइडे को कितना डिपॉजिट था उसके बेसिस पे मैं एसएलआर मेंटेन करूंगा। समझा क्या? ये जरूरी है ना यार, नहीं तो रोज का रोज खेलते रहेंगे क्या? डिपॉजिट बढ़ गए एसएलआर कम ज्यादा करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे समझा? अरे हाँ नहीं बोलो यार, समझता ही नहीं, समझा कि नहीं समझा? मैं बार बार बोलता रहता, देख ही रहे, देख ही रहे, देख ही रहे, एक रिपीट, दो रिपीट, तीन रिपीट। अरे अब बोले अलग ही जबरदस्ती है इसकी, नहीं समझ में आ रहा फिर भी बोल रहा, बोलो बोला। ध्यान देंगे,
करंट फोर्टनाइट में जो बैलेंस मेंटेन करेंगे, करंट फोर्टनाइट में जो बैलेंस मेंटेन करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट के आखिरी फ्राइडे को कितना डिपॉजिट लेवल था, ताकि बीच में एक फोर्टनाइट का समय मिले एडजस्टमेंट्स करने के लिए. ओके नाउ देन नोट, सॉरी नोट्स सुनो. पहले आपको बताना है एसएलआर मतलब क्या, फिर बताना है 12 ऑड डेट के बारे में. अब सुनो, सभी ब्रांचेस को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप जो 12 डेट सिलेक्ट किए, जो 12 डेट सिलेक्ट किए उसका करस्पॉन्डिंग लास्ट फ्राइडे निकाले, करस्पॉन्डिंग सेकेंड जो लास्ट फ्राइडे, जो रेलेवेंट फ्राइडे, जो क्या बोला साहब, रेलेवेंट फ्राइडे वो निकाले, और पूरे बैंक में सभी ब्रांचेस को, हेड ऑफिसेस को, वो 12 डेट के जो कर, जो 12 डेट्स है उसके लिए जो रेलेवेंट फ्राइडेज है उस दिन के ट्रायल बैलेंस जनरेट करवाने पड़ते हैं. ट्रायल बैलेंस जनरेट होंगे और वो पूरे हेड ऑफिस जाएंगे, समझ रहे के सब, जो जहां पे ब्रांच ऑडिटर बैठा है ऑडिटेड जाएंगे, जहां पे ब्रांच ऑडिटर नहीं है वो अनऑडिटेड जाएंगे, बात समझ रहे. और हेड ऑफिस में आके पूरा डेटा कंसोलिडेट होगा, क्या होगा साहब, कंसोलिडेट. कंसोलिडेट करके देखा जाएगा कि रेलेवेंट फ्राइडेज को, रेलेवेंट फ्राइडेज को कितने डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग थे, रेलेवेंट फ्राइडेज को कितने डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग थे, समझ रहे क्या, यस नो. फिर टोटल डिपॉजिट मिलेगा उस पर एसएलआर का परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हमको समझेगा कितना एसएलआर मेंटेन करना चाहिए था वो 12 दिन, वो 12 ऑड डेट्स को, यस नो. फिर जाके गोल्ड की वैल्यू, कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड कितने देखेंगे और फिर समझेगा ये लोग एसएलआर मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे. फिर से बता रहा, सुन लेंगे, ध्यान देंगे. ऑडिटर को जाकर 12 ऑड डेट सिलेक्ट करने हैं इन डिफरेंट मंथ्स नॉट बीइंग फ्राइडे. सिलेक्ट करने के बाद में बैंक अपने सभी ब्रांचेस को इन्फॉर्म करेगा ये 12 ऑड डेट है, इस डेट का जो करस्पॉन्डिंग रेलेवेंट फ्राइडे है उस दिन का ट्रायल बैलेंस जनरेट करो, अपने ऑडिटर से ऑडिट करवाओ, नहीं होंगे ऑडिटर तो वैसे ही भेज दो, सबसे जमा होंगे ट्रायल बैलेंसेस, उसमें से डिपॉजिट्स निकलेंगे. जो ऑडिटेड है वो ऑडिट रिपोर्ट से, हाँ ठीक है बराबर है, जो अनऑडिटेड है वो देख लो रीजनेबल है ना. अब इनको कंसोलिडेट किया जाएगा, ऑडिटर चेक करेगा ये 12 दिन के ट्रायल बैलेंस बराबर कंसोलिडेट हुए ना, बराबर डिपॉजिट्स निकले ना, एक्यूरेट है ना. अब ये जो 12 दिन के जो डिपॉजिट्स है उस पर परसेंटेज अप्लाई करके क्या निकलेगा, एसएलआर रिक्वायर्ड, एसएलआर रिक्वायर्ड. फिर जाके देखेंगे वो जो 12 दिन थे उस पर कितना गोल्ड था, कितना कैश था और एसएलआर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा कि नहीं हो रहा, ये लिखना पड़ेगा, समझा. अब आखिरी चीज में आरबीआई ने बोला है कि कुछ चीजों को ये कैलकुलेशन करते वक्त एक्सक्लूड करना पड़ेगा और कुछ चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सक्लूड फ्यू थिंग्स एंड यू हैव टू इंक्लूड फ्यू थिंग्स, बहुत कॉमन सेंस है, एकदम ही टाइम पास. रिलायंस मोबाइल सबको इंडस्ट्री से एक्सक्लूड कर डाला इसने, बस किसी को छोड़ना ही नहीं है, नहीं एक हाथ देखो तो छोड़ देंगे, कंप्यूटर कोई तो चाहिए, ध्यान देंगे. नाउ आर स्टैंड फॉर, देखो बहुत आसान, रिकवरी फ्रॉम बोरोर्स, बहुत ही आसान, रिकवरी फ्रॉम बोरोर्स. बोरोअर पैसा डुबा चुके थे, डुबाने वाले थे, जो भी था, अचानक उनसे रिकवरी हो गई तो एंट्री पास हुई कैश बैंक डेबिट टू रिकवरी अकाउंट क्रेडिट. ये रिकवरी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, ये किसी को पैसे लौटाने नहीं है, इसको डिपॉजिट में काउंट मत करो, समझ रहे क्या. अरे समझा क्या भाई, बैंक बैड लोन्स की रिकवरी कर रहा है, किसकी, बैड लोन्स की. वो जो क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है ये किसी को लौटाना नहीं है, उसको आप डिपॉजिट ट्रीट मत करो, डोंट इन, उसको एक्सक्लूड कर दो, समझाए क्या भाई. ओ भाई सबको ये क्लिक होता है ना, बैंक के बुक्स में सारे डिपॉजिट कौन से बैलेंस होते होंगे,
क्रेडिट बैलेंस। अरे यस नो, ऐसा मत करो मेरे साथ नहीं तो मैं क्या क्या बोल रहा। देन आई स्टैंड फॉर इंडियन करेंसी। सुनो, बैंक को 10 लाख रुपए मिल गए, कितने लाख रुपए मिल गए? 10 लाख। इंडिया का इंपोर्टर है, वो बोलता है डॉलर पे कर देना यूएस में। 10 लाख मिल गए, डॉलर पेमेंट करना है यूएस में। पेमेंट हो भी गया लेकिन उसका अमाउंट अभी एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि फाइनल रेट पता नहीं चला अभी। ये जो तुमको इंडियन करेंसी में पैसा मिला है अगेंस्ट इंपोर्ट बिल, ये माना क्रेडिट बैलेंस पड़ा है ये, लेकिन ये किसी को लौटाना नहीं है, किसी को लौटाना नहीं है। इट इज नॉट अ डिपॉजिट, उसको भी डिपॉजिट में कवर मत करो। मतलब वो समझा रहे ये क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट्स है लेकिन उसको डिपॉजिट में लेना नहीं है। रिकवरी का क्रेडिट दिख रहा है, डिपॉजिट में मत लो। इंडियन करेंसी में क्रेडिट दिख रहा है अगेंस्ट इंपोर्ट बोल, वो वापस लेना है, डिपॉजिट में मत लो। देन एल स्टैंड फॉर लिंक ब्रांचेस होती है। कौन सी ब्रांचेस होती है? लिंक ब्रांच। सर ये क्या होता है लिंक ब्रांच? मुकेश भाई ने 500 करोड़ का डिविडेंड बांटा, कितना? 500 करोड़। एचडीएफसी को बोला इधर एचडीएफसी बैठ, ले 500 करोड़ बांट देना। बेसिकली क्या होगा कि सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वारंट जाएंगे एचडीएफसी के नाम के। एचडीएफसी के मुंबई ब्रांच में 500 करोड़ आया। ऐसी सुनो, सभी बैंक में सिटी में कुछ लिंक ब्रांचेस होती है। जब बड़े बड़े कॉरपोरेट से डील करना है या दूसरे बैंक से डील करना है या आरबीआई से डील करना है तो सभी ब्रांचेस डील नहीं करते, जो लिंक ब्रांच होती है, इसलिए उसका नाम ही है लिंक। इट इज अ लिंक बिटवीन अवर बैंक एंड अदर्स। समझ रहे क्या? मुंबई के लिंक ब्रांच में 500 करोड़ आ गए। अब एचडीएफसी के इंडिया के सभी ब्रांचेस ने 450 करोड़ का पेमेंट कर डाला। पैसे आए कहां थे? मुंबई में के लिंक ब्रांच में। पेमेंट कहां से हुए? बाकी जगह अभी, लेकिन अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ। ये जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तुमको, सपोज 500 करोड़ का पूरा पेमेंट हो गया, ये जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है लिंक ब्रांच में, ये किसी को वापस रिलायंस को देना नहीं है, करेक्ट? उसको आप डिपॉजिट में काउंट मत करो, सिर्फ अभी एडजस्टमेंट की एंट्री पास होना बाकी है। समझा क्या भाई? लिंक ब्रांच में अनएडजस्टेड बैलेंस पड़ा होता है, करस्पॉन्डिंग पेमेंट हो गया, उसको डिपॉजिट में काउंट मत करो। एम स्टैंड फॉर मार्जिन मनी। मार्जिन मनी लेते हम लोग बहुत सी बार, कहते साहब मार्जिन मनी, बहुत सी बार हम लोग मार्जिन मनी लेते हैं। ये जो मार्जिन मनी आता है, पहले मार्जिन मनी दे फिर लोन दूंगा, पहले मार्जिन मनी दे फिर क्या देंगे? लोन। ये भी डिपॉजिट की नेचर का, उसको मत लो। देखो रिलायंस मोबाइल आरआईएल, रिकवरी का पैसा डिपॉजिट में मत लो, इंडियन करेंसी का पैसा डिपॉजिट में मत लो, ठीक है? लिंक ब्रांच का अनएडजस्टेड बैलेंस है, पेमेंट हो चुका है, उसको डिपॉजिट में मत लो। फिर मार्जिन मनी डिपॉजिट में मत लो। अब क्या इंक्लूड करना चाहिए? न्यू सीबीआई एन सेंड फॉर नोस्ट्रो अकाउंट। अरे नोस्ट्रो, वो कैसे मेरे को याद आता? फॉरेन ब्रांच बैंक्स इंडिया में है तो वो आए वोस्ट्रो, हमने हमारी नाक वहां पे घुसाई, वो नोस्ट्रो, हम गए वहां पे जबरदस्ती, ध्यान देंगे नोस्ट्रो। हमारा फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट है, फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट है यूएस में। कहां पे साहब? यूएस में। अब ध्यान दो, यूएस में बैंक अकाउंट है, लोगों ने वहां पे पैसे डिपॉजिट किए, लोगों ने वहां पे पैसे डिपॉजिट किए तो वो भी एक तरह का डिपॉजिट है। जैसे इंडिया में पैसे डिपॉजिट होते हैं वहां पे, वैसे वहां पे पैसे डिपॉजिट हुए। अगर वहां पे पैसे डिपॉजिट हुए हैं तो वो डिपॉजिट में आने चाहिए। जैसे इंडिया में पैसे डिपॉजिट होते हैं वैसे इंडिया के बाहर लोगों ने फॉरेन करेंसी में पैसे डिपॉजिट किए, तो इट शुड बी काउंटेड इन डिपॉजिट। सी स्टैंड फॉर नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट। और तेरी इन ब्रांच एडजस्टमेंट, सबको समझता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट रखो? यस नो? एक सिंपल सा एग्जांपल, दिल्ली में 1 लाख रुपए जमा किए एंड डीडी बनवाए, डीडी इज पेबल इन मुंबई, क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट।
लेकिन पैसे मेरे को नहीं पे करने, मुंबई की ब्रांच पे करेगी टू इंटर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। समझा क्या? पैसे मिले लेकिन पेमेंट मैं थोड़ी करना है, कौन करना है? मुंबई ब्रांच टू इंटर ब्रांच क्रेडिट करते, पैसे मिले इंटर ब्रांच को क्रेडिट, पैसे मिले पैसे का अकाउंट डेबिट इंटर ब्रांच क्रेडिट। अब मुंबई में पेमेंट होगा, वहां पे पैसे गए, जो भी ब्रांच के पास डीडी जाएगा वो पेमेंट करेगा, कैश अकाउंट, अरे कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कहां मानेंगे? इंटर ब्रांच अकाउंट डेबिट। समझ रहे क्या? दिल्ली में क्रेडिट हुआ, मुंबई में डेबिट हुआ, इट विल गेट सेट ऑफ, नलीफा हो जाता है। अब सुनो, 31 मार्च को करोड़ों रुपए मिले हैं, पेमेंट होना बाकी है, तो इंटर ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखता, एक तरीके से वो लोगों का डिपॉजिट है, उनको उनको या किसी को भी पेबल है, जिसको भी पेबल है आपको, उसने आपने उसको इंक्लूड करना चाहिए। समझा क्या भाई? नोस्ट्रो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इंक्लूड करना चाहिए। इंटर ब्रांच में क्रेडिट बैलेंस है, इंक्लूड करना चाहिए। आपने बाहर से बोरोइंग ली है, वो लेंगे आप क्यों? सुनो, इंडिया से बोरोइंग लोगे ना, इंडिया से बोरोइंग लोगे तो आपने इंडिया के बैंक से अगर बोरोइंग ली है और कुछ बैंक को बोरोइंग दी है वो नेट ऑफ हुआ था, लेकिन अगर इंडिया के बाहर से तो वो नेट ऑफ नहीं होता। इंडिया के बाहर से आपने बोरोइंग ली है, लोगों को पैसे लौटाना है, वो भी काउंट होगा। न्यू सीबीआ एन फॉर नोस्ट्रो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, सी फॉर क्रेडिट बैलेंस ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट, बी फॉर बोरोइंग्स, बस आई फॉर इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अक्रू होता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस और बढ़ जाएगा। यस नो? वो जो अक्रू होता है उसको भी आपने काउंट करना चाहिए, हाफ ईयर का इंटरेस्ट अक्रू करके बढ़ा दो बैलेंसेस, और इंटरेस्ट वो वही एक ही इंटरेस्ट लो, कोई जरूरत नहीं है। उसी का पॉइंट है ये। चलो ये भी हो गया भाई। ये 479 पे हो, ध्यान देंगे, लिसन, बस खत्म हो गया भाई, आखिरी क्वेश्चन है, बोलना पड़ता है सर। क्या बस खत्म हो गया? हमारे पास टाइम है तो और एक चैप्टर हो सकता है। लोग उदास हो गए, तू और पढ़ाए पहले एक बार खत्म करे, देखते कुछ और बता दूंगा मैं। ध्यान देंगे, अगर बैंक ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन किए तो उसका ऑडिट कैसे करना? सबसे पहला, अगर बैंक ने फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किए, नोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए, जब भी उसमें ट्रांजैक्शंस होते, रिसीट पेमेंट होता, जब भी उसमें पैसे डिपॉजिट किए गए, ऑडिटर ने देखना जब भी ट्रांजैक्शंस हुए, डिपॉजिट्स हुए, उसमें पैसे आए हैं पैसे गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट्स देखने चाहिए, कितना अमाउंट था, कौन से अकाउंट में जमा हुआ, कितने डॉलर्स थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक करना चाहिए। फॉरेन करेंसी अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड से चेक करो, पहला। दूसरा, लास्ट ट्रांजैक्शन अच्छे से चेक करो, खास करके साल के एंड में, खास करके साल के एंड में, कहीं उसके मदद से विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रही, उसकी मदद से विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रही। कैसे विंडो ड्रेसिंग करते पता है? काइटिंग करते, काइटिंग मतलब
पता नहीं, ध्यान देंगे। ऐसे बोलेंगे कि अब्रॉड से पैसे इंडिया गए, अब्रॉड से पैसे इंडिया आ गए। अब अब्रॉड से पैसे इंडिया आ गए, इंडिया में रिसीट की एंट्री पास कर देंगे, लेकिन अब्रॉड में पेमेंट की एंट्री पास नहीं करेंगे। समझ रहे क्या? नहीं छोड़ो, ध्यान दो। ये दो कंपनीज है, ए लिमिटेड एंड बी। यहां पे बैंक का बैलेंस है 500 करोड़, यहां पे बैलेंस है 200 करोड़। 31 मार्च को चेक इशू हुआ, 31 मार्च को चेक इशू हुआ, 31 मार्च को चेक इशू हुआ, सपोज 100 करोड़ का, कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। देखो गेम क्या खेलते, यहां पे एंट्री पास कर देंगे लेकिन यहां पे एंट्री पास नहीं करेंगे। यहां पे ऑडिटर आएगा ए लिमिटेड में, साहब 31 मार्च का देखो बैंक स्टेटमेंट 500 करोड़ दिख रहा है, काय का डाउट है तुमको? दिख रहा है ना 500 करोड़? वहां पे बैंक स्टेटमेंट में दिखने नहीं वाला, क्योंकि देयर इज अ टाइम लैग। आज चेक इशू आया तो विड्रॉ होने में 2-3 दिन लगेंगे। समझ रहे क्या? यहां पे ऑडिटर सेटिस्फाइड, वहां पे ऑडिटर आएगा, अरे चेक मिला एंट्री पास नहीं करूं क्या? करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ एक ही है, लेकिन 31 मार्च को दोनों के बैलेंस शीट में दिखेंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एक ने एंट्री पास की है और एक ने एंट्री पास नहीं की है। इसको काइटिंग फ्रॉड बोलते हैं। 31 मार्च को बैलेंसेस इन्फ्लेटेड दिखते, ठीक है? बात समझिएगा साहब, इसको पकड़ा जा सकता है अगर, क्योंकि ए के बुक्स में बी का बैलेंस और बी के बुक्स में ए का बैलेंस मैच नहीं होगा, वो मैच नहीं होगा, उससे पकड़ा जा सकता है। तो आपके ब्रांचेस में भी ये फ्रॉड करके, एक जगह अकाउंटिंग करना एक जगह नहीं करना, बैलेंसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए आखिरी के ट्रांजैक्शन देखो, फिर बैलेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी बराबर रेट में क्विकली। फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट कैसे चेक करेंगे? नंबर वन, जितने भी ट्रांजेक्शन है, रिसीट पेमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक करो, लास्ट ट्रांजेक्शन चेक करो, खास करके ईयर एंड में करेंसी रेट बराबर था ना, वो बराबर चेक करो। रिकंसिलेशन होंगे साहब, क्या होंगे साहब? रिकंसिलेशन। पहले मेरे दिमाग में आता साल भर ट्रांजेक्शन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक किया, फिर उसके बाद में आता लास्ट ट्रांजेक्शन चेक किया, अकाउंटिंग के लिए रेट चेक कर लिया, अब मंथ एंड पे क्या बनाते होंगे? रिकंसिलेशन। देखो रिकंसिलेशन तो कॉमन चीज है, फॉरेन करेंसी में कुछ खर्चे बुक नहीं किए हमने नहीं किए खर्चे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में कोई भी डेबिट क्रेडिट हमने बुक नहीं किया, करवा दो। चेक डिपॉजिट हुआ, अभी तक इन कैश नहीं हुआ, ऐसा कुछ है क्या? चेक इश्यू हुआ, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, ऐसा कुछ है? देख लो फॉरेन करेंसी, आखिरी में कंफर्मेशन ले लो और लेजर से मैच कर लो, बैलेंसेस मैच होते हैं क्या? फॉरेन करेंसी कैसे चेक करना? नवंबर 18 वापस मॉक टेस्ट पेपर में सब। ये 483.05 मार्क करो, वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स पेबल, उसके बाद 485 कॉन्टिन लाइबिलिटी, ध्यान देंगे। लिसन, ध्यान देंगे सर, नाउ लिसन, वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स पेबल, मई नवंबर 19 के मॉक पे है, ये क्या है सुन लो। बहुत सी बार बैंक हमसे पैसे एक्सेप्ट करती है और फिर बाद में पे करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके, पैसे ले लिए, डीडी दे दिया, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, या फिर पैसे ले लिए हमसे और
टेलीग्राफिक मनी ट्रांसफर कर देंगे, मेल से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे, हमसे पैसे लिए, पैसे ले लिए और डीडी इशू कर दिया, ऐसा हो सकता है? यस नो? बहुत सी बार बैंक पैसे एक्सेप्ट करता है, पैसे एक्सेप्ट करता है पर इसको पेमेंट करेगा डीडी के नाम से, या फिर पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलर्स चेक। समझता है सबको ट्रैवलर्स चेक? अभी तो यूज भी नहीं होते, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आएंगे उसमें। ठीक है, ट्रैवलर्स चेक होता है मतलब हम जो भी अगर फॉरेन विजिट करने जा रहे हैं, अब तो कोई नहीं जा रहा आजकल, ठीक है, तो अगर ट्रैवलर्स चेक है मतलब उसको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, वो फॉरेन करंट फॉरेन कंट्री में वो ट्रैवलर्स चेक दिखा करके उसको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जिसकी मदद से उसको पैसे मिल जाएंगे। डीडी दिया, डीडी जहां सबमिट करेगा बैंक विल पे, ट्रैवलर्स चेक दिया वो जहां पे सबमिट करेगा बैंक विल पे, बोलेगा कि मेरे को किसी सिटी में पेमेंट करवाना है, किसी सिटी में कोई कस्टमर को पेमेंट करना है, मेल ट्रांसफर्स बोलते हैं, मेल ट्रांसफर्स बैंक विल पे। लेट्स फ्रीज। बहुत सी बार बैंक बोलती है भाई हमको पैसा दे दे, तू जहां बोलेगा वहां पेमेंट करा देंगे, तू डीडी जहां सबमिट करेगा पेमेंट करा देंगे, तू ट्रैवलर चेक जहां सबमिट करेगा पेमेंट करा देंगे, तू जिस सिटी में बोलेगा उस सिटी में मेल ट्रांसफर करवा देंगे। करेक्ट? ऐसे केस में हमने ऑडिट पहले तो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन है किसके बारे में। बहुत सी बार देखिए उसको बिल्स पेबल नाम दिया उसने, बिल ऑफ एक्सचेंज से मत जोड़ना, पगला जाओगे। लिख दो आप पे डोंट को रिलेट विद बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि पहली चीज बच्चे सोचते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और वहीं पे बैंड बज जाएगा। बहुत बार बैंक को पैसे मिलते हैं और बदले में बैंक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है, वेयर बैंक प्रोमिसेस टू पे, वेयर बैंक प्रोमिसेस टू पे ऑन देयर बिहाफ। तो क्या लिखा है? बहुत सिंपल बात है। नंबर वन, जब भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, फिक्स, इट शुड बी प्री नंबर्ड, ताकि हिसाब रहे ऐसे इंस्ट्रूमेंट कितने इशू किए गए। अनयूज्ड फॉर्म केयरफुली रखने चाहिए, वापस जिस डॉक्यूमेंट को देकर पैसे रेज होते हैं उसको ध्यान से रखना पड़ता है। ऐसा नहीं बैंक हमारा स्टाफ ये इशू कर करके किसी से पैसे इकट्ठा कर ले। अनयूज्ड फॉर्म्स केयरफुली रखना चाहिए। रिलायबल प्राइवेट कोड्स, ये क्या होते सर? सुनो, बैंक वाले ध्यान देंगे ये पेमेंट किसको करना, जैसे मैंने बोला आप क्या बोलते हो उसको, पुराने जमाने में टेलीग्राफिक ट्रांसफर था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। सुनो क्या होता था पुराने जमाने में, पैसे मिले फटाक से दूसरे ब्रांच को इन्फॉर्म करेंगे इस बंदे को पेमेंट करते, तो ये जो कम्युनिकेशन होता था कोड्स के थ्रू होता था। बैंक ने ये जो बहुत फास्ट पेमेंट किए जाते हैं कि भाई इसको पे कर दो उसको पे कर दो, उसके लिए सीक्रेट कोड्स होने चाहिए ताकि कोई इसको मिसयूज ना करे, नहीं तो ब्रांच में एक बंदा बैठ गया और 10 जगह उसने मैसेज डाल दिया इसको पे कर दो उसको पे कर दो उसको पे कर दो, वहां पे उठा के ब्रांचेस ने पे कर डाला, पेमेंट हो गया, फिर जॉब छोड़ के चला गया। करेक्ट? इसलिए सीक्रेट कोड्स, जो कोड से पेमेंट्स होंगे वो कोड्स सीक्रेट होने चाहिए। जो पेमेंट कर रहा है, जो बंदा पेमेंट, जो ब्रांच क्या कर रही साहब पेमेंट, उसने डीडी के ऊपर सिग्नेचर चेक करना चाहिए। और जब भी आप डीडी इशू करो, जब भी आप डीडी इशू करो आपने इमीडिएटली एडवाइस भेजना चाहिए। क्या भेजना चाहिए? एडवाइस। एडवाइस मतलब इंटीमेशन होता है। सपोज दिल्ली में डीडी बना, पेबल इन मुंबई, पेबल इन मुंबई, मुंबई के सभी ब्रांचेस को इंटीमेशन जाएगा ये नंबर का डीडी आपके पास पेमेंट के लिए आ सकता है। समझा क्या सब? पहले आप मतलब समझाओगे। बहुत सी बार पैसे लेते हैं और पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं, उसको बोलते बिल्स पेबल। उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? फिक्स। अन्यूज स्टेशनरी को वहां पे सेफ रखना चाहिए, उसके कोड सीक्रेट रखने चाहिए जिससे पेमेंट हो। पेमेंट करने वाली जो ब्रांच है उसने सिग्नेचर चेक करना चाहिए डीडी ओरिजिनल है ना, फिर ही पेमेंट करना चाहिए। और जैसे ही डीडी इशू हो क्या होना चाहिए? इंटीमेशन। एडवाइस वर्ड को सर्कल करके लिखो,
उसका मतलब इंटीमेशन, लोग उसको एडवाइस समझते। मई 19 मॉक में ही है कंटेंट लायबिलिटी, भयंकर टाइम पास। सबसे ज्यादा कंटेंट लायबिलिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता? कस्टमर। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता कस्टमर, मार्केट के जो मतलब अभी कस्टमर ही समझ लो, खत्म करो। कंटेंट लायबिलिटी किसकी वजह से थी साहब? गारंटी। वैसे ही होता है एईओ, अगर हम किसी के बिहाफ में बिल एक्सेप्ट करते हैं, किसी के बिहाफ में बिल एक्सेप्ट करते, वो भी एक तरह की क्या होती है साहब? गारंटी। समझ रहे क्या भाई? बैंक में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी दिखती है बिकॉज ऑफ गारंटी, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस डन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, सबसे फेमस। उसके बाद बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, उस पर आ सकती लाइबिलिटी, या फिर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, कॉल होगा तो पैसे देने पड़ेंगे, पुराने जमाने में चल रहे उसको अभी भी कॉन्टिन लाइबिलिटी बोल रहे हैं। और फिर कुछ क्लेम हमने एक्नॉलेज नहीं किए क्विकली, किसकी वजह से होती सर? गारंटी। गारंटी के बाद एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, फिर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, एंड पैसे मांगे लेकिन हमने अभी तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया। क्वेश्चन? हाँ, तो डिस्क्लोजरी तो है, वो ऐसा डिस्क्लोर करना पड़ता है कॉन्टिन लाइबिलिटी का, वो याद रखने के लिए मैडम। किस याद होता है? हाँ भाई, गारंटी की वजह से आता है, एईओ की वजह से आता है, याद रखने के लिए। वो सीक्वेंसिंग अपन ने जहां पर भी याद करने के लिए। अब बताओ क्या कराऊ कि कुछ ऐसे ऐसे का ज्ञान बांट दू 700 सीरीज में? वो मैं दूंगा, प्लीज दूंगा, छोड़ दो। बोले दिमाग खराब हो गया मेरा अभी, पेपर के बाद बताना। बोले ये जो क्वेश्चंस है, मैंने पहले 150 इशू किए थे, 150 इशू करने के बाद अभी कुछ और ऐड किए, तो उसकी लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल साइट पे आ जाएगा। बच्चे फॉरेंसिक कर रहे हैं, वो फॉरेंसिक कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। सात सौ सीरीज में कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो करा देता हूं। अभी सुनो, पहले थोड़ा सा ज्ञान बांट लिया जाए, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा। अभी कुछ लोग हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच चुके हैं। तू फोकस कर, ध्यान नहीं। सही में आप लोग बहुत सिंसियर है यार, आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग बहुत सिंसियर। मैं ये सोच रहा था कि मेरे को बोलना क्या है, इतने कमेंट आ रहे, भूल गया बोलना क्या है। सुनो, जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में, जितने नोट से मार्किंग है, उतने क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। और जो लिस्ट में कुछ और मिलेंगे, जो चैप्टर्स नहीं हुए कुछ उसके मिलेंगे, वो करना चाहिए अपने अच्छे से। अब मेरा एकदम सिंपल फंडा है कि जो बुक के ऊपर अगर आपका अच्छे से कमांड है, कोई भी बुक पे अगर आपका अच्छा कमांड है, चलो पूरे बुक पे नहीं होता, हर चैप्टर पे नहीं होता, लेकिन जितना भी कमांड होता है उसको कभी छोड़ना
नहीं चाहिए। और मैं ये भी जानता हूं कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ मल्टीपल बुक्स एंड नोट्स, द वर्ल्ड ऑफ टेलीग्राम, लेकिन ऐसा नहीं करना यार। वो कुछ कुछ लोग खतरनाक ही करते, पढ़ा एक बुक से रिवाइज दूसरे से किया, ये कैसे होता है? हमारे जमाने में तो नहीं होता था। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप चार्ट देख लूंगा। ये भगवान, अरे तू क्या आखिरी दिन पूरे चार्ट पढ़ेगा क्या? ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। अरे तुमने जो पहले पढ़ा हुआ है क्यों करना बोलते रिवीजन? आखिरी दिन फिर से चार्ट लेके बैठोगे? आखिरी दिन नए शॉर्ट नोट्स लेके बैठोगे? इसको रिवीजन नहीं बोलते? रिवीजन खत्म ही नहीं होंगी, इसको बोलते फिर से नया पढ़ रहे हो। प्लीज जो भी, सपोज मैं ऐसी एकदम भयानक सिचुएशन ले रहा हूं, किसी के पास में दो रेगुलर बुक है, दो क्वेश्चन बैंक है, फिर दो चार्ट है, बराबर ऐसे बहुत जमा कर लिया उसने, ध्यान देंगे? प्लीज मार्क कर लो कि कौन से बुक में कौन सा पार्ट अच्छे से आता है, कि चैप्टर तो भी मार्क कर लो, रेगुलर बुक में इतना पोर्शन, क्वेश्चन बैंक में इतना, चार्ट में इतना, और प्लीज को एक दो बार घुमा लो, मॉक ड्रिल कर लो आखिरी दिन की। पता होना चाहिए कितना समय लगता है मेरे को पढ़ने के लिए, आपको पता है? हाँ भाई मुझे इतना इतना समय लगता है, और मैं बोलता हूँ प्लीज थोड़ा कम पढ़ लो ना यार, लाइफ में सब कुछ कवर करने से अच्छा जो आपने कवर किया उसको मॉक कवर तो कर लो। पूरी दुनिया कवर करने के लिए जा रहे तो जो मटेरियल है, एक प्लेन पेपर या फिर एक कुछ अलग कलर का पेन, स्पार्कल वार्कर लेकर, कि भाई ये मेरे को इतना इतना यहां से पढ़ना है, इतना इतना यहां से पढ़ना है, और उसको एक बार पढ़ लो। अगर आपको लगता है और समय बचता है आपके पास तो क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो आप, जैसे अपनी क्वेश्चन बैंक, अगर आपको क्वेश्चंस ऐड करना है तो रिसेंट एमटीपी आरटीपी कहीं पर भी दिखा वो क्वेश्चन ऐड कर देना। वो रिसेंट एमटीपी आरटीपी टिक लगा हुआ नहीं दिख रहा, वो क्वेश्चन ऐड कर दो कि भाई ये भी मेरे को पढ़ना चाहिए, ठीक लग रहा है, और फिर उसको फिर रिविजन में घुमा लो। समझ रहे भाई? इज पॉइंट क्लियर? फिर मेरे को सवाल पूछा था कि सर वो कॉन्सेप्ट बुक हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट बुक है, अलग अलग ऑथर की, क्या करना? कॉन्सेप्ट बुक आपके जो रेगुलर नोट उससे मेरा ऐसा मानना है, जैसे जो बच्चे मेरे से ही पढ़े हुए हैं भाई, वो कॉन्सेप्ट बुक उठाना, उसमें से शॉर्टकट्स कवर कर लेना, शॉर्टकट्स नहीं छूटने चाहिए, और फिर क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो। शॉर्टकट्स कोई अच्छे पॉइंट्स थे वहां के वो देख लिए, फिर क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो। अगर आपने दो तीन बार घुमा लिया चीजों को, मटेरियल आपका जो भी मटेरियल है उसको दो तीन बार किया आपने, तो थिंग्स विल बी बेटर। प्लीज आखिरी दिन लाइन बाय लाइन ना पढ़े, बच्चे वो आखिरी दिन ना एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर देते, बहुत अच्छे समझ रहा बोले, बड़ी जल्दी समझ रहा बोले, दो घंटे में दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी टू स्टडी खत्म हो जाएंगी एंड यू विल गेट टायर्ड। आखिरी दिन भाई रिव्यू, हाँ हेडिंग समझ में आया, ये 60-70% चीजें ओवरव्यू मारनी पड़ती, हाँ ये पता है मुझे, आई नो दिस, हाँ ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता था, पढ़ लेता हूँ। 30% चीजें पढ़ने वाली होती है, बाकी मुझे आता है नेक्स्ट, और सिर्फ इतना ही पढ़ना कि कल तक याद रहे। यस दैट्स अ फैक्ट। और कुछ लोग ना जबरदस्ती के टेंशन लेते, जबरदस्ती के, वो पढ़ाऊंगा अपन ने कोई सब्जेक्ट एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, फिर एक दिन दिन भर पढ़ने के बाद रात को 10 बजे जागते हैं, मैं देखता मेरे को आता क्या नहीं आता, कैसे होगा मेरा सर मैं भूल गया। अरे कैसे लोग हो भाई, तुमने उसको 10-15 दिन पहले पढ़ा था, अभी तुम दिन भर थक चुके हो, यू आर मेंटली टायर्ड, तुम्हारी कोई कैपेसिटी नहीं है कुछ रिकलेक्ट करने की, अब तुमको याद नहीं आ रहा, फिर खुद को दोष देते हो, अरे निगेटिविटी की मशीन बन जाते बच्चे कभी कभी। अरे याद कब आना चाहिए? जब एक दिन पहले पढ़ा हुआ है, एक दिन पहले पढ़ा हुआ याद रहना चाहिए, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि एग्जाम में भी तो वैसे ही रहता,
एक दिन पहले पढ़ा हुआ और फ्रेश माइंड से, उतना याद है तो यू आर गुड इनफ बॉस। जबरदस्ती खुद को कोसो मत। बात समझ रहे क्या भाई? एंड लास्ट मंथ इट्स अ माइंड गेम, बी सुपर ओवर कॉन्फिडेंट। एकदम ओवर कॉन्फिडेंट सब हो गया मेरा, जो मैंने पढ़ा उसमें से नहीं आने, उसमें से आने वाला है। उसमें से आने वाला है, उसके बाहर से कुछ आया तो किसी को नहीं आएगा। किसी को नहीं आने वाला है। ऐसा हमने समझ के जाना है। और मैं तो बोला अगर आपको 30 में से इधर 20-25 भी मिले और यहाँ पे 70 में से आपको, ठीक है, 30-35 मिलते हैं तभी 60 हो जाते भैया। अगर आधे मार्क भी मिल गए तो 70 में से आधे 50%, तो देयर इज इनफ थिंग्स यू कैन डू। फालतू लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाओ 700 पे। लास्ट थिंग फॉर द बैच। हेलो हेलो, क्या हो गया, क्या हो गया? छोड़ दो बोले, दुआएं मिलेंगे आपको, बस हाईलाइट ही करा दो बोले, अंडरलाइन करने काम करते बोले, काम करो बस, प्रोजेक्टर पे दिखाते रहो ये अंडरलाइन करना है। कम टू पेज नंबर 133, कॉन्सेप्ट नंबर वेरी गुड 05। हेलो हेलो, सर का भी दिमाग खराब हो गया। मैं समझ रहा हूं अभी सबकी भावनाएं ध्यान है। चलो फटाफट लास्ट फ्यू मिनट गाइस, बस उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। बाप रे बाप, इतने जल्दी प्राप्ति होगी। ध्यान देंगे, लिसन, वन वन चले उस पर देखिए, 11.05 क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या एक ही ऑडिट रिपोर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं दैट ऑडिट किया है, दैट इज एज पर टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? आंसर इज यस। एक ही ऑडिट रिपोर्ट में हम लिख सकते हैं। देखो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, वहां लिखते हैं वी हैव परफॉर्म ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यूड बाय ICAI and which are approved under Companies Act, ठीक है? क्या हम लिख सकते हैं कि हमने ऑडिट किया as per standards on auditing and also international standards on auditing? क्या ऐसा कर सकते हैं? Answer is yes, ऐसा किया जा सकता है। It can be done, लेकिन शर्त है। Number one शर्त है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो इंडिया के है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से जो ओपिनियन आ रहा है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। दोनों के हिसाब से क्लीन ओपिनियन, दोनों के हिसाब से क्वालिफाइड, दोनों के हिसाब से एडवर्स, दोनों के हिसाब से डिस्क्लेमर, दोनों के हिसाब से सेम EMP OMP। अगर दोनों के हिसाब से सेम रिजल्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और दूसरा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सारे कवर होने चाहिए,
टाइटल से लेके सिग्नेचर जो बेसिक एलिमेंट्स आते हैं, मैंडेटरी एलिमेंट्स आते हैं, वो सब कवर होने चाहिए। पहले क्या आता है? टाइटल। फिर क्या आता है? एड्रेसी। पहले क्या आता साहब? टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन, उसके नीचे की ऑडिट, उसके नीचे गोइंग कंसर्न, उसके नीचे की ऑडिट मैटर, फिर आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन रिपोर्टिंग एज पर लॉ, फिर सिग्नेचर डेट प्लेस। इसमें से जो मैंडेटरी आइटम्स है वो सब आनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो एक ही रिपोर्ट में दो स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे सकते हैं। सर ऐसा क्यों करना? कुछ इन्वेस्टर्स इंडिया के हैं, कुछ इन्वेस्टर इंडिया के बाहर के हैं, उनको दोनों स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अश्योरेंस चाहिए तो दे सकते हैं, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या? अरे जोर से बोले, सुनाई दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बताया, वो एलिमेंट्स ऐसे ही बताया सिर्फ, बराबर वो लिखने की जरूरत नहीं मैंने। ओके, फिर 111.10 की ऑडिट मैटर। सुनो, वर्ल्ड वाइड ऑडिट, वो लिखना नहीं सिर्फ बता, वर्ल्ड वाइड ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू कम हो रही थी क्योंकि इट वॉज गेटिंग मोनोटोनस, नो चेंज एट ऑल, लोग पढ़ना भी छोड़ रहे थे उसको, तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, उसकी कम्युनिकेटिव वैल्यू, इट शुड हैव मोर वैल्यू, इट शुड गिव मोर इन्फॉर्मेशन, पीपल शुड बी इंटरेस्टेड टू रीड इट। तो बोले क्या करना? बोले एक काम करो, तुम जो इतनी मेहनत करते हो ऑडिट में, इतना दिमाग लगाते हो, दिमाग लगाकर जो इंपॉर्टेंट, जहां पे तुमने सबसे ज्यादा फोकस किया था, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स, जहां पे आपने सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे, वो सारे मुद्दे आप एक्सप्लेन कर दो, उसको नाम दो की ऑडिट मैटर। इससे आपकी रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा वैल्यू, लोग ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएंगी, तुम्हारी फीस बढ़ जाएंगी। यस, इंटरनेशनली इसलिए लाया, की ऑडिट मैटर, इंफॉर्मेशन इंक्रीज करो, कम्युनिकेटिव वैल्यू इंक्रीज करो, ऑडिटर की वैल्यू इंक्रीज करो और फीस बढ़ेगी। नाउ 112 पे आइए। ध्यान देंगे, ये नई लिखा स्टेप्स तो भी चले गए, ये नॉट रिक्वायर्ड। ऑडिट मैटर डिटरमाइन कैसे करते, की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कैसे करते, वो लिखा हुआ है, सुन लेंगे। क्या कभी ऐसा ना, सवाल ये है, नो नीड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, क्या ऐसा हो सकता है कि यस हमने ऑडिट में कुछ मैटर्स के ऊपर बहुत मेहनत की, पूरे टीम को 50 दिन टीम ने उसके ऊपर मेहनत की, बहुत मेहनत, बहुत समय, बहुत रिसोर्सेस, बहुत डिस्कशन, एक्सपर्ट सब किया, की ऑडिट मैटर है वो, लेकिन कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है? यस, दो जगह नहीं होता, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर लॉ प्रोहिबिट करेगा। सर एग्जाम्पल जैसे SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वो अगर बोलता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन में असर पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में असर पड़ेगा, आपने ये बातें बतानी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है कि ये बातें बतानी नहीं चाहिए आपने बाहर, तो यू शुड नॉट कम्युनिकेट। की ऑडिट मैटर है फिर भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा लगता है कि एडवर्स इंपैक्ट विच विल बी मच हायर देन द पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे साइरस मिस्त्री और टाटा का झगड़ा है, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आप बातें बोलोगे तो एडवर्स इंपैक्ट टाटा ग्रुप पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेनिफिट विच इन्वेस्टर्स विल गेट, ऐसे दो सिचुएशन में की ऑडिट मैटर को आपने कम्युनिकेट करना नहीं चाहिए। अब कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए बोले, ओके डन। जब भी की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं करते क्या करना पड़ेगा? सुनो, आपको एक, जब भी की ऑडिट मैटर एप्लीकेबल है लेकिन कम्युनिकेट नहीं करना है, हेडिंग डालनी पड़ेगी, की ऑडिट मैटर हेडिंग डालनी पड़ेगी, वहां लिखना पड़ेगा हम की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हम की ऑडिट मैटर नहीं बता रहे बिकॉज का एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा है। अच्छा, की ऑडिट मैटर है ही नहीं, वो भी लिखना पड़ेगा,
देर इज नो की ऑडिट मैटर. वंस की ऑडिट मैटर इज एप्लीकेबल तो वो सेक्शन तो आएगा ही आएगा. नहीं है तो लिखो नहीं है, नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ प्रोहिबिशन तो लिखो नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ प्रोहिबिशन, लिखो इट इज एडवर्स की वजह से नहीं. मतलब हेडिंग तो आपको डालनी पड़ेगी. समझा क्या भाई? एक सौ तेरह को मार्क करो, बता नहीं रहा हूं मैं. टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन बचपन से पढ़ रहे हैं, चार्ट वर्ड भी दिया है. हाँ ये 113.01 पे आ जाइए. नहीं हाँ आ जाओ. ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात बोली है. क्या बात बोली सुन लो. जब आप ओपिनियन मॉडिफाई करते हो, जब आप ओपिनियन मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई करना मतलब तीन चीजें कौन सी? क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर. तो इन्होंने बोला है कि ऑडिट रिपोर्ट में आपकी वर्डिंग्स कैसी रहती हो बताओ. क्वालिफाइड में वर्डिंग्स कैसी रहेगी? ये डाउन एरो करो. आप क्वालिफाइड में कैसी वर्डिंग्स दोगे, एडवर्स में कैसे वर्डिंग्स दोगे, डिस्क्लेमर में कैसे वर्डिंग्स दोगे एंड सो ऑन. ध्यान देंगे. देखो बहुत आसान है. अब मैं आपको वर्डिंग्स बता रहा हूं सुन. अच्छा वर्डिंग्स भी दो तरह के फ्रेमवर्क रहते हैं भाई, फेयर एंड कंप्लायंस. समझता क्या? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क. ऐसा फ्रेमवर्क जो बोलता है फाइनेंशियल, जो जिसके बेसिस पे अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं. एक फ्रेमवर्क बोलता है बेटा मैं तेरे को पूरी परमिशन देता हूं, लगे तो तू फ्रेमवर्क के अगेंस्ट चला जा, गो अगेंस्ट द चेंज. अगर तेरे को लगता है मॉडिफाई कर दे रिक्वायरमेंट्स को या फिर एडिशन कर दे, लेकिन यूजर को बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए. उसको क्या बोलते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जो फेयर व्यू को, अंडरस्टैंडिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. कुछ फ्रेमवर्क होते हैं ऐसा, मतलब ऐसा नो चेंजेस नो एडिशन इसरो कंपनी, उसको बोलते हैं कंप्लायंस. वर्डिंग में फर्क पड़ता है ओपिन में. अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हम दिल खोल के ओपिन देते हैं. अरे भैया उसने दिल खोल के अकाउंटिंग की है, मैं भी दिल खोल के ओपन दूंगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर ऐसी वर्डिंग होती है इट प्रेजेंट्स फेयरली, इट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट. सब कुछ फेयर है मटेरियल चीजों को देखे तो. समझ रहे क्या? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वर्डिंग क्या होती है? इट इज एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क. अच्छा बुरा मत पूछो, सिंपली इतना लिखा रहेगा इट इज एज पर फॉर्मेट गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, खत्म. अच्छा बुरा ये तुम सोचो. समझ रहे क्या भाई? यस नो? अब सुनो, क्वालिफाइड में वर्डिंग क्या रहेगी? ऐसी वर्डिंग आती है. अगर क्वालिफाई, क्वालिफाई कितने रहने के कितने रीजन हो सकते हैं? दो, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अरे या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर नो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो लिखते हैं एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ मैटर एक्सप्लेन इन द बेसिस पैराग्राफ. बस उन बातों को छोड़ दो, बाकी सब ठीक है. एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ मैटर, एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज एक्सप्लेन इन द बेसिस पैराग्राफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. कंप्लायंस में कैसे लिखते हैं? एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्सप्लेन द बेस पैराग्राफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क. जबरदस्ती बार बार दो सेंटेंस रिपीट करते हैं, आंसर बड़ा दिखता. हर जगह रिपीट किया उन्होंने. अब सैंड में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा अगर सबूत की कमी है तो थोड़ा सा वर्डिंग बदल जाता. एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट, मेरे को क्या पता पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा क्योंकि जानकारी नहीं है. एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट ड्यू टू मैटर एक्सप्लेन इन द बेसिस पैराग्राफ. इन बेसिस पैराग्राफ एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर एक्सप्लेन द बेसिस पैराग्राफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर देयर एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क. समझ रहे क्या भाई? अरे यस नो?
गलती है तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ, सबूत की कमी है तो पॉसिबल इफेक्ट जो मुझे पता नहीं है, सुनो एडवर्स है तो वर्डिंग बदलती, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच आर एक्सप्लेन इन द बेसिस पैराग्राफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर नॉट एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, समझ रहे? डिस्क्लेमर में वर्डिंग क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर एक्सप्लेन द बेसिस पैराग्राफ वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, हेंस वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और डिस्क्लेमर में खास बात होती है, फर्स्ट लाइन बदल जाती है। फर्स्ट लाइन क्या होती है, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, डिस्क्लेमर में कहा किया तुमने ऑडिट, वहां लिखते वी वेयर अपॉइंटेड टू परफॉर्म ऑडिट, वी वेयर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट, पहली लाइन बदल जाती है, समझा क्या भाई? तो वर्डिंग समझाइए, मतलब क्या बड़े चेंजेस होते बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन, बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन, ध्यान देंगे 113.02। नवंबर 18 आरटीपी का क्वेश्चन, सबूत नहीं मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कसम से जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाया ना, खोद खोद के बनाया, सबूत नहीं मिला मतलब नहीं मिला, क्वालिफाई कर, ज्यादा हो गया तो डिस्क्लेमर कर, नहीं उसका भी एनालिसिस। सुनो तीन रीजन हो सकते हैं, ध्यान देंगे, लिसन, उन्होंने रीजंस दिए, दे हैव गिवन रीजंस, तीन रीजन है, उन्होंने समझाया कि भाई सबूत क्यों नहीं मिल पाते, व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट दी एविडेंसेस, सबूत क्यों नहीं मिल पाते वो समझाया, ध्यान नहीं, लिसन, पहले सुनो, तीन रीजंस दिए, पहले R1 सुन लो, बोले कभी कभी ऐसे रीजंस होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसका एग्जांपल दिया, डिस्ट्रॉय हो गए भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नेचुरल कैलामिटी आ गया, वॉर हो गया, कुछ भी हुआ, फलाना ठिकाना टिकाना जो भी हो गया, तो उन्होंने समझाया रीजंस क्या हो सकते हैं। रीजन नंबर वन, R1 लिखा है मैंने वहां पे, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर सीज्ड इनडेफिनेटली बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये भी एग्जांपल है, इनकम टैक्स वाले उठा के चले गए, ठीक है। अब पहले मैं जानता हूं आप लोग इंटर, ठीक है, बोले तू क्या पढ़ा रहा, क्या मतलब है, बोले हमने अंडरलाइन कर अंडरलाइन कर लेते, लिख लेते, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा साहब। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है, मैनेजमेंट के वजह से प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के वजह से प्रॉब्लम है, लिमिटेशन ऑन स्कोप डाला है किसने, मैनेजमेंट ने, प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम ऑब्जर्विंग काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी, फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं करने दे रहे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट भेज नहीं दे रहे, बात समझ रहे क्या? पहला हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरा हो सकता है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, वो लिमिटेशन ऑन स्कोप, सबसे इंटरेस्टिंग है तीसरा वाला जो जनता को नहीं समझता, तीसरा मैंने उसको नाम दिया नो वन्स फॉल्ट, उनको टेक्निकली क्या लिखते हुए लोग उसको, एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू द नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिटर वर्क इंक्लूड, जो समझता नहीं उसको मैंने सिंपल इसमें लिखा है नो वन्स फॉल्ट, किसी की प्रॉब्लम नहीं भैया, किसकी गलती नहीं है, सर्कमस्टांस ऐसे बन गए क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल दिया है, सुनो एग्जाम्पल भी जोरदार है, बस ये तीनों रीजन में यही रीजन है जो दिक्कत देता है थोड़ा सा समझने के लिए, कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहता है नेचर टाइमिंग एक्सटेंड वो नहीं कर सकता यार, उसका एक रीजन दिया है, कंसोलिडेशन चेक कर रहे, क्या चेक कर रहे, कंसोलिडेशन, आपको पता है एसोसिएट का कंसोलिडेशन होता है,
यस नो। और कभी कभी इक्विटी मेथड होता है, क्या होता है इक्विटी मेथड, एकदम शॉर्ट में कंसोलिडेशन, मतलब सारे आइटम्स ऐड नहीं होते, सारे आइटम्स ऐड नहीं होते, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है, ब्रैकेट में गुडविल बताते। अब लोगों को अलग टेंशन, भाई नहीं आता कोई बात नहीं छोड़ो, एसोसिएट को कंसोलिडेट करते इक्विटी मेथड में बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन जाती है। अब प्रॉब्लम ऐसा है, एसोसिएट हमारी बात सुनती नहीं है, हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, हम उसको बोल रहे इंफॉर्मेशन दे, भेज ही नहीं रहे। अब इसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं है और ऐसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी नहीं है। एसोसिएट क्या बोलता है, देख भाई इक्विटी मेथड कंसोलिडेशन के लिए इतनी जानकारी लगती है, उतना दे दिया, तंग मत करो फालतू। सरकमस्टांसेस ऐसे है कि हमको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मिल नहीं पा रही, मैनेजमेंट के हाथ में भी कुछ भी नहीं है। करेक्ट। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये ऊपर वाले जैसा नहीं लगता क्या, ऊपर में एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए थे जिनके वजह से क्या क्रिएट होती, सबूत की कमी। ये सिचुएशन ही ऐसी है, समझ रहे के साहब, सिचुएशन ही ऐसी है कि जिसमें इससे ज्यादा सबूत मिल नहीं सकता। और दूसरा एग्जाम्पल दिया, सेकंड एग्जाम्पल, वो डॉट सेकंड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ, पुराना बंदा छोड़ के चला गया, नए बंदे का अपॉइंटमेंट कब हुआ, ऑडिट हो रहा 19-20 का, ऑडिट कब हो रहा 19-20 का, अपॉइंटमेंट हो रहा जून 20 में, क्योंकि बंदा छोड़ के चला गया पहले का। अरे बोले साल खत्म होने के बाद अपॉइंटमेंट किया, अब कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करूं, अटेंड कैसे करूं फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइम तो निकल गया। वापस सरकमस्टांसेस ऐसे है कि वो नेचर टाइमिंग अपनी प्रोसीजर परफॉर्म कर नहीं सकता। तीसरा, मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, सिचुएशन वेयर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन आर नॉट सफिशिएंट। मैंने आपको बताया आजकल कुछ एरियाज भयंकर ऑटोमेटेड हो गए, शेयर मार्केट ऑटोमेटेड, बैंक्स ऑटोमेटेड, IRCTC ऑटोमेटेड, ई कॉमर्स ऑटोमेटेड। ऐसे ऑटोमेशन के केस में उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना ही पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट गिव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, समझ रहे क्या सर। लेकिन बोले मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने जा रहा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहता हूं, बट एंटिटीज कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जरूरी था और कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, सबूत ही नहीं मिल रहे, बोले क्या करूं। बैंक में अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, बोले सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर ही नहीं सकता, लाखों ट्रांजैक्शन है। अगर जो हाईली ऑटोमेटेड एरियाज है, वहां पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, लेकिन कंट्रोल्स तो बेकार है। बोले कंट्रोल्स बेकार है तो ज्यादा क्या लगाना पड़ता, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा ही नहीं सकता, बोले लाखों ट्रांजैक्शन, फिर फंस गया। लेट्स फ्रीज। सबूत नहीं मिलने के तीन कारण हो सकते हैं, सबसे आसान सिचुएशन विच इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा इट इज बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा किसी की फॉल्ट नहीं है, सरकमस्टांसेस ही ऐसे है। इक्विटी मेथड में इतना ही सबूत मिलेगा, नहीं मिलता ज्यादा, या फिर साल खत्म होने के बाद अपॉइंट हुआ, नहीं कर सकता फिजिकल वेरिफिकेशन, कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है, क्या कर लोगे बैंक में, कंट्रोल इनइफेक्टिव है, नहीं कर कैसे करोगे चेकिंग, समझ रहे क्या भाई। तो छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे भाग जाएंगे, बोले चलो अब ठीक है। मार्क मैडम मैं फाइल दूंगा, सिर्फ मार्क कितना करेंगे, फाइल दूंगा मैं। चलिए गाइस, आई हैड अ गुड टाइम विथ ऑल ऑफ यू, करेक्ट। अब ऐसे MCQ प्लीज, MCQ सॉल्व। सबसे पहले MCQ सॉल्व करो, फ्रेश दिमाग रहता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग MCQ में होने वाली है। एंड प्लीज गिव 1 आवर, 1 घंटा, मैं तो बोलता हूँ 1 घंटा 5 मिनट भी चलेगा, 10 मिनट भी चलेगा, क्या बात कर रहे बोले। हाँ अरे 30 में से अगर आप 25 मार्क ला सकते हो, इससे ज्यादा स्कोरिंग कैसे मिलेगी, रेस्ट 2 घंटे में तुमको 25-30 नहीं मिलते।
बच्चे ऐसी ऐसी प्लानिंग लेके आते, मेरे पास 45 मिनट में कर दूंगा, 40 मिनट में कर दूंगा। बेवकूफ है बोला तू, जिसमें तेरे को स्कोरिंग हो रही उसको टाइम तू कम दे रहा, यू आर गिविंग लेस टाइम, उसमें टाइम कम दे रहे हो भाई। तो बोले ये अच्छी बात नहीं है आप, ठीक है अभी एक एक रुको एक बार अभी बोल बांट दो ध्यान देंगे, प्लीज एक घंटा दीजिए, एक घंटा 5-10 मिनट दीजिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए, पहले सॉल्व करिए, आखिरी में रखते जब थक जाते, कभी कभी टाइम ही नहीं बचता, फुलिशनेस है, पहले एमसीक्यू सॉल्व करना है, पॉइंट नंबर वन। सेकंड, एमसीक्यू आप जब सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब तो आपके, अच्छा उसके और क्या फायदा है, पहले सॉल्व करने के बाद में लिखते लिखते अगर करेक्शन आया कुछ तो करेक्शन भी कर सकते बाद में। प्लीज पूरा एमसीक्यू ध्यान से मत पढ़ो, पहले भी बोला पूरा एमसीक्यू ध्यान से पढ़ना फिर बेवकूफी है। आखिरी के 2-3 लाइन पढ़े पहले अच्छे से, ऑप्शंस को ज्यादा इवैल्यूएट करना विल बी की टू सक्सेस, और फिर वापस केस पे पलट के जाओ कि कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो। एमसीक्यू में बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन कम्स टू नो, नो वर्ड आता है उसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, नॉट वर्ड, क्योंकि हमारा ब्रेन जो प्रोग्राम्ड है वो करेक्ट के लिए प्रोग्राम्ड है, हम करेक्ट को टिक मारते करेक्ट लिखते हैं, नो के लिए प्रोग्राम नहीं होते। जहां पे नो वर्ड आया उसको 10 बार अंडरलाइन फाड़ ही दो पेपर, अरे नो मत, नो फाड़ दिया बोले ऐसा मत। लिसन, आपको वो पॉइंट हाईलाइट करना है नाउ। अब एमसीक्यू की अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं, देखो एमसीक्यू की बुक तो हमने ही बनाई है, 3 पार्ट बनाए हैं, पहले हमारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाले बोल्ड किए, सेकंड सेक्शन आईसीआई के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज डिवाइड किए, तीसरा सेक्शन इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, करेक्ट। लिसन गाइज, लेकिन आपके पास टाइम तो होना चाहिए था सब करने का। बेस्ट है आईसीआई के जो एमसीक्यूज है कि भाई 30 मार्क में से अगर 3-4-5 मार्क का भी फंसा आईसीआई के खुद के एमसीक्यू में से तो इट विल बी गुड इनफ। अभी रिसेंटली व्हाट आईसीआई डन, यू मस्ट बी अवेयर, May 20 का जब मॉड्यूल लाया तो हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू डाले हमने, वो फाइल कंपाइल करके 97 एमसीक्यूज है, वो डाउनलोड auditguru.in पे डाउनलोड सेक्शन पे डाला है, कम से कम वो 97 एमसीक्यू अच्छे से करने चाहिए, और वो अच्छे खासे एमसीक्यूज है, ज्यादा लोड मत लो, एक आधा एमसीक्यू उसमें गलत भी है, ठीक है। तो एकदम नहीं जम रहा मेरे मेरा गलत और और मैंने आपको बोला कि भाई डाउट है तो आप साइट पे पूछ सकते हो, फोटो खींचो, गूगल ड्राइव लिंक शेयर करो, सर ये लिंक पे फोटो प्लीज, इस पे ये डाउट है, ठीक है। डायरेक्ट फोटो अपलोडिंग बंद करके रखा है साइट पे, तो गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर सकते हैं, और क्या डाउट है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन कुछ भी ऑडिट के अंदर अगर कुछ भी, ठीक है, अजीबोगरीब डिसीजन मत लेना, एकदम से किताबें बदल दो, एकदम से कुछ नया नोट्स पकड़ लो, कोई नोट्स अच्छे लगते ना रखो ना, उसके 1-2 पेज जो पढ़ने वो पढ़ो, यहाँ भाई ये नोट्स का मेरे को ये अच्छा लगा, इतना पोर्शन पढ़ लूंगा, दैट विल बी फाइन। बाकी अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो अच्छे से पढ़ा तो ठीक है, कोई भी एमसीक्यू आईसीआई के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, वो 97 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, यू डोंट हैव टाइम, इससे ज्यादा कोई प्रैक्टिस, इतना आपने प्रैक्टिस कर लेना चाहिए अच्छे से, करेक्ट। ऑडिट थेरी सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि मैं, बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे करते एक बार पढ़ के खत्म कर देता, ऐसा नहीं होता, यू हैव टू बी इन टच विद द सब्जेक्ट। सी, एक्सपर्टीज इज नॉट अ गेम ऑफ वन टाइम स्टडीज, क्लास में पढ़ते एक बार, घर जाके रिवाइज करते एक बार, फिर एक बार रिवाइज करते, फिर एक बार क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन बैंक देखते, मल्टीपल टाइम हिट होता है तुम्हारे मेमोरी पे, तब जाके मेमोरी बनती है। और थेरी सब्जेक्ट का मेरा ऐसा मानना है ज्यादा समय के लिए उससे दूर नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, समथिंग और दी अदर यू शुड कीप रिवाइजिंग, तो ऐसा एक बार पढ़ के छोड़ दो ऐसा करने का नहीं, ठीक है। और कम से कम 2-3 रिविजन होनी चाहिए यार, जितना मटेरियल भले ही थोड़ा कम पढ़ लो, मटेरियल थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन 2-3 बार रिवीजन करके जाना चाहिए। हम लोग लास्ट डे स्ट्रेटेजी इशू करते हैं, बच्चे बहुत सी बार आखिरी दिन में टाइम वेस्ट करते,
क्या पढ़ू पहले क्या बाद में पढ़ू वही सोचते रहते, फिर किसको कितना टाइम दू वो सोचते रहते, पढ़ाई करते करते सोचते रहते मैं स्लो जा रहा कि मैं फास्ट जा रहा। तो हमने क्या किया, हमारे पास तो क्या पूरे लेक्चर है, हर टॉपिक को पढ़ाने को कितना टाइम है, प्रोपोर्शनेटली टाइम निकाला कि कौन से इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी कितना टाइम लगता। और काफी बार बच्चे फॉलो करते, डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा इस बार भी सिंपल, और लास्ट टाइम जैसा था उससे मिलता जुलता ही रहता, सिर्फ एक आधा कोई पॉइंट ऐड हुआ है तो लिख देते, उसमें बफर टाइम भी है। प्लीज स्टिक टू दैट, प्लीज स्टिक टू दैट शेड्यूल, ओवरव्यू करो, हाँ ये आता है ये आता है नेक्स्ट, ये आता है नेक्स्ट, ये आता है नेक्स्ट, ये आता है नेक्स्ट, बस ऐसे पलटते आना है। आप जैसे ही अगर इनडेप ज्यादा लगे तो आप चीजों को बेकार कर दोगे, जितना टाइम अलोकेटेड है उतना ही करना है, उसमें आदमी टेंशन फ्री रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और अच्छे से पेपर सॉल्व करके आता है। तो प्लीज फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, वो टाइम लिमिट आप फॉलो कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है मार्च एंड तक, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक फर्स्ट ईयर अच्छे से होना चाहिए, और अप्रैल के अंदर आपकी और दो रिवीजन होनी चाहिए। तो ऐसे तीन रिवीजन होती अप्रैल में, या तो आप 3 दिन की रिवीजन घुमाओ, 2 दिन की दो रिवीजन घुमाओ, ऐसा कर सकते हैं। 2 दिन में पढ़ने की आदत होनी चाहिए, करेक्ट, और बी एंथुजियास्टिक, बहुत जरूरी है सब। पास्ट वास्ट पिछले एग्जाम में क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इंस्टीट्यूट ने क्यों किया, आज सीखोगे नहीं ना टू मूव करना, यहां से मूव करना तो लाइफ टाइम उसमें फंसे रहोगे। जो हुआ सो हुआ, इट वाज अ लर्निंग, नेक्स्ट अभी क्या कर सकते हैं, बी एंथुजियास्टिक एंड बी पॉजिटिव। और आई होप मैंने सुबह दोपहर शाम बोला था, उसको ट्राई करो, करेक्ट। ऑल द बेस्ट, लेट्स होप दैट यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है।